फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मौज में बच्चों इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेटर और अपना नोटबुक और बुक लेके आपको बैठना है हम लोग जो चैप्टर्स करने वाले हैं फास्टैग के अंदर वो हम सीक्वेंस में करेंगे यानी जिस सीक्वेंस में मैंने इंडेक्स में चैप्टर दिए हुए वन टू थ्री फोर उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे जो हमारे पहले तीन चैप्टर रहेंगे मेटेरियल लेबर और ओवरहेड वो तीन चैप्टर पूरे के पूरे सब्जेक्ट का आपका बेस बना देंगे उसके बाद में पूरी की पूरी कॉस्टिंग पानी की तरह बह जाएगी ये तीनों चैप्टर इंडिविजुअली भी बहुत आसान है लेकिन उसके बाद में पूरी की पूरी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन मेटेरियल कॉस्ट आ जाइए चैप्टर नंबर वन आपको साथ में ही मेरे लिखते जाना है जो नोट्स हैं आपके वो मेरे साथ बनते जाएंगे यहां पर मेरे पास एक बुक का पोर्शन हो गया जिस बुक से हम क्वेश्चन उठाएंगे तो यहां मैं जो भी लिख रहा हूं ना वो आपके रजिस्टर में आपको नोट करना है वो आपकी पूरी की पूरी बुक तैयार होगी हमारे पास चैप्टर नंबर वन मेटेरियल कॉस्ट ओके अगर हम बात करते हैं पूरी की पूरी कॉस्ट की तो हमारी जो कॉस्ट है उसको तीन एलिमेंट्स में बांटा गया है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं सबसे पहला एलिमेंट मटेरियल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है दूसरा हमारे पास लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट ठीक है फिर हमारे पास अदर एक्सपेंसिज या सिर्फ एक्सपेंसिज लिख सकते हैं तो हमारे पास मेटेरियल का क्या मतलब रहेगा देखिए हम या तो कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होगी जैसे अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे सिर्फ यही दो चीजें यहां पर हमारे पास कवर की गई हैं कि या तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये प्रोविजन ऑफ सर्विस के अंदर आएगा तो क्या सर्विस प्रोवाइड करने में भी सर कोई मेटेरियल लगता है बिल्कुल आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो मेटेरियल हो गया वो डायरेक्ट मटेरियल के सेंस में आएगा क्योंकि बुक्स आपके पास पहुंच गई और कुछ मटेरियल हाँ भी लगता है लाइक मैं मैं आपको दिखाता हूं। मैं जो चैप्टर आपको करवाने वाला हूँ तो मैं बुक ना रख के इनके प्रिंट आउट ले लेता हूँ तो वन बाई वन पेज हो जाता है तो जैसे ही प्रिंट आउट मैंने लेके क्वेश्चन का रखा हुआ है तो आपके पास जो बुक है वो मैं बुक ना रखकर यहाँ पर प्रिंट आउट के फॉर्म में रखता हूँ एक एक पेज उठा के साइड करता चला जाता हूँ तो यहाँ पर ये जो मेरी स्टेशनरी लगी ये भी मटेरियल है तो सर्विस प्रोवाइड करने में भी मटेरियल लगता है और प्रोडक्ट बनाने में भी मटेरियल लगता है लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल का बहुत बड़ा पोर्शन होता है जैसे अगर मैं ये कैलकुलेटर बनाने की बात करता हूँ ये पानी का गिलास है मेरे पास इस गिलास को बनाने की बात करता हूँ मान लीजिए मैं कोट बनाने की कंपनी हूँ तो कोट के अंदर जो मटेरियल है कपड़ा है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें मेजर कॉस्ट मटेरियल की लगती है अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में मेजर कॉस्ट एम्प्लॉई कॉस्ट और अदर एक्सपेंसिव में चली जाती है तो जैसे आपके पास कोरियर जाएंगे हमारा कोरियर का खर्चा हो जाता है इंक्रिप्शन का खर्चा हो जाता है इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका डेप्रिशिएशन लग जाता है स्टूडियो का रेंट जाता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है ये सारे खर्चे बहुत मेजर हो जाते हैं दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट अगर मैं बात करूँ नवी तरह क्लासेज में जब मैं आपको कॉस्टिंग की क्लास पढ़ा रहा हूँ तो सबसे एक्सपेंसिव मैं ही हूँ क्योंकि मेजर पोर्शन मैं लेके चला जाता हूँ सैलरी के नाम पर या रेवन्यूएशन के नाम पर तो सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसिव मेजर रहते हैं जबकि प्रोडक्शन इंडस्ट्री में मेटेरियल सबसे ज्यादा पोर्शन में आएगा पूरी कॉस्ट के तो मेटेरियल का मतलब क्या रहेगा मेटेरियल का मतलब रहेगा ओन कॉमोडिटीज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और रेंडरिंग रेंडर करना यानी प्रोवाइड करना एनी सर्विस तो मेटेरियल का मतलब है जो भी कॉमोडिटी इस्तेमाल की है आपने जैसे यहां पर स्टेशनरी लग रही है हमारी और मान लीजिए जो मैं क्लास पढ़ाते हुए पानी पी रहा हूं ये बिस्लेरी का पानी है तो ये भी मेरे लिए मेटेरियल बन जाएगा क्योंकि क्लास के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसके बाद में इस मेटेरियल के दो टुकड़े किए जाएंगे कि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है या नहीं जैसे अगर मैं क्लासेज की बात करूं तो आप बताइए जो बुक्स आपके पास पहुंची हैं वो मेटेरियल है हार्ड कॉपी बुक्स अगर आपने सॉफ्ट कॉपी बुक्स चूज किया था तो फिर वो मेटेरियल के अंदर नहीं आएगा वो अदर एक्सपेंसिव के अंदर आएगा उसमें भी हमारी कॉस्ट लगती है पूरा कंटेंट डिजाइनिंग होती है कंटेंट राइटिंग होती है बहुत मेहनत लगती है पूरे क्वेश्चंस डिजाइन करना सब कुछ राइटिंग होगी उसकी एडिटिंग होगी फॉर्मेटिंग होगी उसमें भी बहुत खर्चा आता है हमारा तो जो बुक्स आपके पास हार्ड कॉपी पहुंची हैं वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल क्योंकि वो आप जो क्लास ले रहे हैं वो क्लास है कॉस्टिंग की क्लास कॉस्टिंग की क्लास लेने में जो हार्ड कॉपी बुक है वो मटेरियल लगा क्या वो सर्विस में सीधा कस्टमर के पास पहुंच गया क्या कस्टमर के पास सीधा रिलेटेड है बिल्कुल ये बुक्स आपकी हैं हमेशा आप ही रखेंगे इसको अच्छा एक मटेरियल यहाँ पर भी है जो मैंने प्रिंट आउट निकाल कर रखा हुआ है ये प्रिंट आउट है मेरे पास जिससे मैं आपको देख देख के पढ़ाऊंगा इसके अंदर सारे क्वेश्चन हैं जो बुक आपके पास है वही मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में है तो यहाँ पर मैंने प्रिंट आउट लिए ये भी मेरा मटेरियल लग गया कागज़ है प्रिंटिंग है उसके ऊपर तो मेरी मटेरियल कॉस्ट यहाँ भी लग रही है क्या ये आपसे सीधा रिलेटेड है या नहीं ये आपसे सीधा रिलेटेड नहीं है ये इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को तोड़ना बड़ा आसान है अगर आप फिनिश्ड गुड्स या सर्विस से सीधे रिलेट कर सकते हैं तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा अदरवाइज इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था कि इस कैलकुलेटर में स्क्रीन लगी है बटन लगे हैं, ये सारा मेटेरियल डायरेक्ट है और इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए जनरेटर चला जिसमें डीजल डाला गया डीजल भी मटेरियल है पर वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है फैक्ट्री में सफाई के लिए हमने सर साबुन कुछ भी इस्तेमाल करे तो बताइए वो सर साबुन जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे मटेरियल हैं लेकिन इनडायरेक्ट यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है उसको साफ़ करने के लिए मैं कोलिन यूज करता हूँ कोलिन भी मटेरियल है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है उसके बाद उस पर कपड़ा मार दिया जाता है तो साफ हो जाती है स्क्रीन वगैरह मैं जैसे आईपैड पे पढ़ाता हूं तो कॉलीन मारकर उसको साफ कर लिया अब बताइए वो जो कॉलीन है वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ या इनडायरेक्ट हुआ आपकी क्लासेज के लिए इनडायरेक्ट आपको थोड़ी मिल रहा है तो अगर फिनिश्ड गुड्स या सर्विस में सीधे रिलेट कर सकते हो आप मेटेरियल को तो वो डायरेक्ट अदरवाइज इनडायरेक्ट में चला जाएगा इसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आएगी ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर फोर्स ह्यूमन फोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं जितने भी ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं वो सब यहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे अगर वो अपने हाथों से प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उन पर किया गया खर्चा डायरेक्ट अगर वो प्रोडक्ट को खुद नहीं बना रहे तो इनडायरेक्ट जैसे मैं आपको बताता हूं हमारे पास एडिटर हैं मेल करने के लिए लोग बैठे हुए हैं हमारे पास इंक्वायरी करने के लिए लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे हैं एम्प्लॉयजा और क्लासेज में वो सब इनडायरेक्ट हैं आपके लिए आपके लिए डायरेक्ट एम्प्लॉई सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा है वो है मैं क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ बाकी सब हेल्पिंग हैंड है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हेल्प कर रहे हैं अब अगर मैं एक फैक्ट्री की बात करूँ तो एक फैक्ट्री के बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ है तो क्या वॉचमैन के बैठने से कुछ फायदा होता है बिल्कुल चोरी नहीं होगी आपकी फैक्ट्री में तो वो सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्शन को एक सुपरवाइजर घूम रहा है जो देख रहा है सब लोग ठीक काम कर रहे हैं या नहीं तो सपोर्ट कर रहा है मैनेज कर रहा है एक फैक्ट्री का मैनेजर है वो भी मैनेज कर रहा है लेकिन काम कौन कर रहा है जो लोग लो हाथों से अपने हाथों से फिनिश रूड्स को बना रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे बाकी सब इनडायरेक्ट में चले जाएंगे ऐसे ही अदर एक्सपेंसिज कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट को छोड़कर जो भी खर्चा लगेगा वो अदर एक्सपेंसिव या एक्सपेंसिव के नाम से आएगा एक्सपेंसिव के अंदर जैसे रेंट है तो प्रीमाइज को यूज करने के लिए दिया जा रहा है ना तो मटेरियल है क्योंकि कोई कॉमोडिटी नहीं है रेंट कॉमोडिटी का मतलब है लिक्विड गैस या सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए और रेंट जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है कोई लाइसेंस फीस जा रही है ये सब के सब अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे अगर मैं नवी तरह क्लासेज की बात करूं तो जो कोरियर चार्ज जाते हैं वो बताइए नवी तरह और क्लासेज के लिए कैसा खर्चा है अदर एक्सपेंसि रीजन ना तो वो मेटेरियल है कोरियर तो एक सर्विस है तो वो ना मेटेरियल है ना ही एम्प्लॉय कॉस्ट है अच्छा इंक्रिप्शन का खर्चा होता है जो क्लास आपके पास पहुंचती है ना वो इंक्रिप्टेड होकर पहुंचती है कि इतनी वैलिडिटी इतने व्यू तो सॉफ्टवेयर कंपनी को इसके पैसे जाते हैं वो भी अदर एक्सपेंसिव है ना मेटेरियल है ना ही एम्प्लॉय कॉस्ट है तो जो भी मेटेरियल नहीं है जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है वो अदर एक्सपेंसिव में आ जाएगा कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो मशीने हैं मशीन जिसके ऊपर प्रोडक्ट बन रहा है अब देखिए ये मशीन है इसके ऊपर ये कैलकुलेटर बनकर तैयार हो रहा है तो ये मशीन तो सॉलिड फॉर्म में है ये जनरल क्वेश्चन आता है तो मशीन सॉलिड फॉर्म में है तो क्या ये मेटेरियल मानी जाएगी या अदर एक्सपेंस में आएगी तो मैं आपको बता देता हूं मेटेरियल का मतलब है ऑल कॉमोडिटी यूज इन प्रोडक्शन और कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन जो कंज्यूम हो जाए खत्म हो जाए वो मेटेरियल बनेंगे क्या मशीन कैलकुलेटर को बनाते हुए खत्म हो जाएगी नहीं होगी भी तो लॉन्ग टर्म में होगी तो जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो वैसे तो कॉमोडिटी होती हैं लेकिन उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है तो इनको मटेरियल में काउंट नहीं करते बल्कि इनके ऊपर एनुअल लगता है कि ये डेप्रीशियट हो रही है धीरे धीरे और डेप्रीशियन को हम अदर एक्सपेंसिव या एक्सपेंसिव मानते हैं मटेरियल नहीं मानते तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा फिक्स्ड एसेट्स आप लीज पर या रेंट पर भी ले सकते हो तो वो खर्चा अदर एक्सपेंसिव के अंदर जाएगा अगर ये प्रोडक्ट या सर्विस से सीधा रिलेटेड है तो डायरेक्ट अदरवाइज इनडायरेक्ट अब मैं आपको बताता हूं हमने एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारी क्लास एडिट होती है एक एडिटर बैठ के उसे एडिट कर रहा है जो एडिटर है वो तो एम्प्लॉय कॉस्ट में आ गया हमारे से सैलरी लेता है जो सॉफ्टवेयर हमने लिया है उसकी लाइसेंस फी दी है तो वो अदर एक्सपेंसिज के अंदर आ गया अब बताइए जिस सॉफ्टवेयर पे क्लास एडिट हो रही है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो मैं बता दूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि एक ही क्लास सब बच्चों में एडिट होकर बढ़ जाती है लेकिन अगर इंक्रिप्शन की की बात करूं हर बच्चे को स्पेसिफिक इंक्रिप्शन की मिलती है और हर की के हमें चार्जेस देने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी को तो वो अलग अलग चार्जेस रहते हैं पांच सौ रुपए की एक हजार रुपए की अलग अलग चार्जेस रहते हैं तो हर बच्चे के लिए स्पेसिफिकली एक सेपरेट इंक्रिप्शन की आएगी हमारे लिए तो एक्सपेंस है मटेरियल नहीं है एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है तो एक्सपेंसिड में जाएगा अब बताइए कैसा एक्सपेंस बनेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा रीजन बीइंग इंक्रिप्शन की हर बच्चे से रिलेटेड है उसकी क्लास से सीधी रिलेटेड है एक बच्चे के लिए स्पेसिफिक की बन रही है वो उसी बच्चे को अलॉट होगी उसी बच्चे के नाम पर रजिस्टर होगी वही बच्चा उस पर क्लास देख सकता है तो यहां पर हमारा जो इंक्रिप्शन का खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है जबकि एडिटिंग का खर्चा इनडायरेक्ट में आता है तो हमसे एक यहां पर पूरे कॉस्टिंग में इंटरमीडिएट में कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये खर्चा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है बस एक बताने के लिए पता होना चाहिए जिससे आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर जाकर कभी भी काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपको तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस पता हमारे पास जो मेटेरियल है ये हमारे पास चैप्टर वन है इसे हम अब कर रहे हैं फिर एम्प्लॉय चैप्टर टू बनेगा इसके बाद इनके जो इनडायरेक्ट पोर्शन है इन्हें जोड़कर बोला जाता है ओवरहेड्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर थ्री बनेगा और डायरेक्ट एक्सपेंसिज हमारे पास चैप्टर नंबर सेवन है ये पहले कॉस्टीट के साथ पढ़ते थे हम ये पहले भी पढ़ते थे हम लोग पर अब इन्होंने क्या करा है? इसके ऊपर जो आपका चैप्टर नंबर टू है लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट तो सेकंड चैप्टर के अंदर स्टडी मैट में डायरेक्ट एक्सपेंस का एक पोर्शन जोड़ दिया है तो मेरे को लगा कि लेबर कॉस्ट के साथ एम्प्लॉय कॉस्ट के साथ डायरेक्ट एक्सपेंस को पढ़ाने की जगह वो सेपरेटली एक अलग चैप्टर बना दिया जाए तो मैंने चैप्टर नंबर सेवन बना दिया है बहुत छोटा सा चैप्टर है वो पहले भी हम पढ़ते थे पर अब एक स्पेसिफिक चैप्टर की तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों का जो चैप्टर नंबर वन है चैप्टर नंबर टू है और चैप्टर नंबर थ्री है ये पूरे कॉस्टिंग का बेस तैयार करेंगे उसके बाद चैप्टर नंबर फोर आएगा शीट, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी कॉस्ट कैसे निकलती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वो सीखेंगे तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर मेटेरियल चैप्टर मेटेरियल के अंदर हमें क्लियर है जितने भी कॉमोडिटी यूज होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं ओके मेटेरियल कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट फर्स्ट डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट मेटेरियल का मतलब कॉस्ट ऑफ मेटेरियल ऐसा मटेरियल जो फिनिश्ड गुड्स में आइडेंटिफाई किया जा सकता है या किया दिख रहा है डीजल नहीं दिख रहा जो फैक्ट्री की सफाई होने के लिए साबुन थे वो नहीं दिख रहे तो वो सब इनडायरेक्ट मेटीरियल जो इजिली ट्रेस हो सकते हैं वो डायरेक्ट मेटेरियल में आ जाएंगे मेटेरियल विच कैन बी Easily identified with or traced to finished product or service. अगर हम बात करते हैं indirect material की, तो indirect material वो है जो easily trace नहीं हो पा रहा। तो कैलकुलेटर के अंदर हमें कहीं भी डीजल नजर नहीं आ रहा साबुन नजर नहीं आ रहा तो वो भी मेटेरियल कॉस्ट है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मानी जाएगी मेटेरियल विच कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड विथ और ट्रेस टू फिनिश्ड कोर्ट और सर्विस ओके okay. इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हर चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत लिमिटेड से आईसीआई जिन्हें पूछता है और बाकी पूरा चैप्टर ऐसा है जिसको बहुत कम वेटेज देता है तो आईसीआई जिस पोर्शन को बहुत ज्यादा वेटेज देता है जिसके ऊपर पूरा ध्यान रखता है हम भी पढ़ते हुए उसके ऊपर पूरी जान लगा देंगे उसके इनडेप्थ पहुंच जाएंगे एक एक चीज सीख लेंगे और जिस चीज पर आईसीआई ज्यादा ध्यान नहीं देता हम सीखेंगे उसे भी अच्छे से सीखेंगे लेकिन उसको हम टाइम थोड़ा कम देकर चलेंगे तो स्टडी मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है पास्ट ईयर में जो आज तक क्वेश्चन आए हैं आरटीपी एमटीपी में जो आए हैं एग्जाम का जो ट्रेंड है उससे हमें पता चल जाता है कि आईसीआई कहां से क्वेश्चन पूछता है और हर चैप्टर में 90 परसेंट पोर्शन ऐसा रहेगा 90 परसेंट ऐसा इलाका रहेगा जहां से क्वेश्चन आएगा फाइव टू टेन परसेंट रहेगा जो कहीं और से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास टॉपिक्स टू वी कवर्ड इस चैप्टर में क्या क्या रहने वाले हैं इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक रहेगा स्टॉक लेवल्स स्टॉक लेवल्स के अंदर दो पोर्शन है एक है आरओ क्यू एंड ईओ क्यू और दूसरा पोर्शन है अदर लेवल्स ये वो एरिया है जहां से 95 फाइव परसेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और स्टडी मैट के 95 फाइव परसेंट क्वेश्चन भी इसी एरिया पर है तो ये बहुत इन डेप्थ आराम से हम देखेंगे पूरा समझेंगे बहुत सिंपल है बहुत ही आसान है कॉस्टिंग ऊपर से लेकर लास्ट तक बहुत ही इजी जाने वाला है बस कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझना है और काम खत्म अच्छा मैं एक और चीज बता दूं फास्ट ट्रैक के अंदर हम लोग कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात पढ़ाई से मतलब और कुछ लेना देना नहीं रीजन बींग हमारे पास टाइम कम है अगर हम ज्यादा बातों में लगेंगे तो उसमें हमारा टाइम खराब हो जाएगा टाइम तो लिमिटेड है उसी टाइम के अंदर इन स्टीडो फालतू की बातें हम लोग पूरी जान लगाएंगे सिर्फ पढ़ने पर हम क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके बेस्ट तरीके से पढ़ाई हो सके तो हम लोग पूरी कंटेंट की और कंसेप्ट की बातें पूरे टाइम करते रहेंगे इसके बाद में हमारे पास आता है सेकेंड ऑप्टिमम सेफ्टी लेवल ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक थर्ड है हमारे पास एबीसी एनालिसिस फोर्थ है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर फिर हम सीखेंगे मटेरियल की वैल्यूएशन और लास्ट में हमारे पास है स्टोर लेजर्स ये पूरा पोर्शन सिर्फ फाइव परसेंट की वेटेज है तो इसका मतलब जो हमारा मेजर पोर्शन है वो आरओ क्यू एंड ईओक्यू और अदर लेवल्स जो स्टॉक लेवल का हिस्सा है उस पर हम लोग समय देने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईओ क्यू कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 95 परसेंट क्वेश्चन इसी से ईओ क्यू या अदर लेवल से आए हैं बहुत ही सिंपल है बड़े आराम से इसको समझेंगे कि किस तरीके से यह लेवल बना हुआ है तो हमारा जो फर्स्ट आज का कंसेप्ट शुरू हो रहा है वो हो रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ई ओके सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आखिर क्या चीज है देखो हमें एक बार पहले बिजनेस की पूरी की पूरी साइकिल को समझना होगा कि आखिर पूरी प्रोसेस हमारे पास क्या रहती है हमारे पास मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है तो उसे हम बोलेंगे कि भाई ये हमारी सेल हो रही है किस चीज की फिनिश गुड्स की अब फिनिश गुड्स अगर आपको बाजार में बेचना है तो वो बनाना भी पड़ेगा बनेगा कहां पर फैक्ट्री के अंदर तो हमारे पास एक फैक्ट्री सेटअप रहता है जहां से हमारा प्रोडक्शन होता है फिनिश गुड्स का यहां पर हम फिनिश गुड्स बनाते हैं फिनिश गुड्स बनाने को बोला जाता है प्रोडक्शन ऑफ फिनिश तो यहां पर होता क्या है यहां पर आता है एम्प्लॉय लगते हैं और मशीनों की हेल्प प्रीमाइसिस की हेल्प एक्सपेंसिज की हेल्प के साथ में और एम्प्लॉय की हेल्प के साथ में मेटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में तो कैलकुलेटर बना बनाया थोड़ी आता है प्लास्टिक आई होगी इंक आई होगी चिप्स जो आई हैं वो सब आई होंगी फिर सारे के सारे एम्प्लॉय ने मशीन के ऊपर काम किया होगा और इसको एक कैलकुलेटर की शेप दी होगी तो हमारे पास फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर लेबर और, और, और एक्सपेंसिज ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इसको फिनिश शूट्स में कन्वर्ट कर देते हैं अब ये फैक्ट्री के अंदर हम लोग कौन से चैप्टर पे है मेटेरियल पर तो अभी हम मेटेरियल की बात करेंगे तो फैक्ट्री के अंदर कुछ मेटेरियल भेजा जाता है वो भेजा कहां से जाता है उसके लिए रॉ मटेरियल के स्टोर्स रहते हैं रॉ मटेरियल स्टोर्स रॉ मटेरियल स्टोर फैक्ट्री के लिए मटेरियल को इशू करते हैं जो मटेरियल इशू होता है उसे हम कहते हैं मटेरियल यूज़ और मटेरियल कंज्यूम तो इशू ऑफ रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल इशू होता है इसे बोला जाता है यूसेज और कंजम्पशन

ये इन्हें मेटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं तो सप्लायर से रॉ मेटेरियल स्टोर बेसिकली क्या करते हैं परचेज ऑफ रो मेटेरियल ये जो परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल है इसके ऊपर ईओ क्यू का कंसेप्ट बना हुआ है अच्छा अब ये किस तरीके से डिजाइन है किस तरीके से बना हुआ है आप लोग एक चीज मैं आपको क्लास के साथ में बता दूं आप लोग स्पीड में मत देखिएगा वरना आप लिख नहीं पाएंगे और जो भी मैं लिखवा रहा हूं आपको पूरा लिखना है ये नोटबुक पूरी फिल करनी है जो यहां लिखा जा रहा है वो आपको लिखना है कुछ नहीं लिखना होगा मैं बताऊंगा कि इसे नोट मत करना साथ के साथ सब कुछ लिखना है आपको तो जी रॉ मेटेरियल हम लोग परचेज करते हैं ठीक है अब रॉ मेटेरियल परचेज करने के ऊपर एक पूरी कहानी है अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उसे आप लोग नोट नहीं करेंगे जो भी बात नोट नहीं करनी वो मैं रेड पेन से लिखा करूंगा ठीक है अब आराम से समझिएगा देखिए होता क्या है सप्लायर के यहां से हमारे स्टोर तक जब सामान आता है तो वो किसी ट्रक में भर के आएगा ठीक है ओके ये ट्रक वाला यहां तक आएगा तो रास्ते में फ्रेट लगेगा और आपके जो चुंगी बोलते हैं उसको टोल टैक्स वगैरह वो, वो सब लगेंगे और इसकी लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होगा रास्ते में सामान चोरी ना हो जाए उसके लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस होगा तो यहां से यहां तक आने के लिए कुछ खर्चे होंगे जिसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट तो जैसे मान लो एक बार ट्रक में सामान मंगवाने की कॉस्ट हमारी दो हजार रुपए है ठीक है पहला खर्चा हो गया ये एक दूसरा खर्चा है हमारे पास कि सामान जब स्टोर में पहुंच जाएगा ये हमारे पास स्टोर इस है इसमें सामान अब आ गया ठीक है तो ये सामान यहां पर रखा हुआ है अब जितना ज्यादा सामान होगा उतना बड़ा स्टोर लेना पड़ेगा आपको ये जो सामान यहां पर रखा हुआ है उसके लिए आपके पास स्टोर कीपर होगा इसकी देख रेख के लिए तो इस स्टोर का रेंट जाएगा स्टोर कीपर की सैलरी जाएगी इस सामान का इंश्योरेंस होगा कि रखे रखे खराब ना हो जाए इस तरीके के बहुत सारे खर्चे यहां पर लगेंगे प्लस एक खर्चा आपका लगेगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे मान लो ये सामान दस लाख रुपए का है तो अगर दस लाख रुपए आप बैंक में रखते तो वहां से आपको कुछ इंटरेस्ट की इनकम हो जाती तो जब आप स्टोर में सामान रखते हैं तो उसमें जो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है उसके ऊपर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाती है तो स्टोर का रेंट है सैलरी है इंश्योरेंस है प्लस ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस पूरे खर्चे को हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट ओके अब मान लीजिए आपको पूरे साल में पूरे साल में सप्लायर से अपने यहां पर वन लेख यूनिट्स मंगवानी है ओके okay. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कहती है ऑर्डरिंग कॉस्ट कहती है कि एक ही बार में सारा मंगवा लो सारी की सारी यूनिट एक बार में मंगवा लो अब आपके दिमाग में जाएगा सर एक लाख यूनिट अगर मंगवानी है तो ट्रक भी तो ज्यादा आएंगे तो हमारी ये एडजम्पन रहेगी कि एक ही ट्रक में कितना भी सामान आ सकता है इस एडम्पन के बेसिस पर हम पूरा ईओ क्यू समझेंगे ठीक है तो एक ही बार में क्यों मंगवा लो क्वेश्चन रेज होता है एक ही बार में इसलिए मंगवा लो क्योंकि एक बार का ट्रक का खर्चा दो हजार है तो पूरे साल में सिर्फ एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा दो हजार रुपए दो और आ गया लेकिन इसी के साथ में अगर हम देखें कैरिंग कॉस्ट के ऊपर तो कैरिंग कॉस्ट कहती है बहुत थोड़ा सा सामान मंगवाओ बहुत थोड़ा सा सामान क्यों अगर आप सामान थोड़ा सा मंगवाओगे तो क्या होगा एक तो हमारे को स्टोर छोटा लेना पड़ेगा तो हमारा किराया कम लगेगा दूसरा जो स्टोर कीपर हो सकता है बड़े स्टोर में दो तीन लगे एम्प्लॉज भी जो सामान इधर से उधर उठा के रखेंगे वो भी लगेंगे आपने जैसे आप कहीं बड़े मार्ट वगैरह में कहीं पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वो सामान के लिए उनके पास मशीनें सी होती हैं तो उन मशीनों पे वो चलते रहते हैं और मशान मशीन को ऊपर उठा के और सामान रख देते हैं तो ऐसी मशीनें भी कई सारी लेनी पड़ेंगी कम सामान होगा कम मशीनें लगेंगी कम किराया भाड़ा जाएगा बिजली का बिल कम जाएगा प्लस आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा मान लो आपने कम सामान मंगवाया आपने दस हजार का सामान मंगवाया तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सिर्फ दस हजार पे लगेगी दस लाख का सामान मंगवाओगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दस लाख पे लगेगी तो कैरिंग कॉस्ट के बेसिस पर यह निकल कर आता है कि सामान कम से कम मंगवाओ और ऑर्डरिंग कॉस्ट कहती है एक ही बार में सामान मंगवा लो यानी ज्यादा से ज्यादा सामान मंगवाओ तो जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारे पास दो कॉस्ट एसोसिएटेड हो जाती हैं एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का कहना है ज्यादा से ज्यादा सामान मंगवाओ खर्चा कम आएगा कैरिंग कॉस्ट का कहना है कम से कम सामान मंगवाओ खर्चा कम आएगा कैरिंग कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि स्टोर छोटा सा हो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि ट्रक के चक्कर कम से कम लगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में यहाँ पर लड़ाई है क्या लड़ाई है वो कहती है ज्यादा सामान मंगवाओ ये कहता है कम सामान मंगवाओ हमें इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग करके एक ऑर्डर साइड डिसाइड करना है तो जैसे आपको पूरे साल में एक हजार यूनिट मंगवानी है तो हमें तो ये फाइनल हो गया तो दस हजार यूनिट अगर आप एक बार में मंगवाओगे तो साल में दस बार आपको सामान मंगवाना पड़ेगा दस हजार यूनिट मंगवाई फिर वो खत्म हो गई फिर से टेन थाउजेंट यूनिट मंगवा लो फिर वो खत्म हो गई फिर से टेन थाउजेंट यूनिट मंगवा लो इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हो कि सर हम एक बार में ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट मंगवाएंगे अच्छा अगर आप ट्वेंटी थाउजेंड मंगवाओगे तो पांच बार में आपका सामान आ जाएगा एक बार ट्वेंटी थाउजेंड मंगवाई फिर वो खत्म हो गई उसके बाद में फिर से ट्वेंटी फिर वो खत्म हो गई ऐसे पांच बार सामान आएगा तो आपको एक ऑर्डर साइज सेट करना है बैलेंसिंग करके ऑर्डर साइज हमें ऐसा सेट करना है जिसमें हमारी कॉस्ट कम से कम लगे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल कम से कम हो तो हमारे पास है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहां पर इकोनॉमिक का मतलब है सबसे सस्ता ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे हम सप्लायर को कि हमारे जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे तो इकोनॉमिक का मतलब है यहां पर कम से कम कॉस्ट अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी जिसमें सबसे पहली चीज है यहां पर मैं लिख रहा हूं बेसिक टर्म्स ये लिखना है अब आपको बेसिक टर्म में हमारे पास सबसे पहली टर्म है री ऑर्डर क्वांटिटी आर ओ क्यू आर ओ क्यू बेसिकली क्या होता है आप लोग जब अपने घर में भी कोई सामान लाते हैं तो हम लोग एक सिस्टमेटिक ऑर्डर साइज को फॉलो करते हैं आप लोग अपने घर में देखेगा जैसे आप लोगों के घर में आटा खत्म हो जाता है तो एक आपने सिस्टम बना रखा होगा आपकी मदर ने कि हमें इतनी क्वांटिटी का आटा मंगवाना है जैसे आप में से कई लोगों के पे हो सकता है कि आटा खत्म होने पर पांच किलोग्राम का आटे का पैकेट आता हो कुछ लोगों के यहां पर हो सकता है टेन किलोग्राम का आता हो कुछ लोग हो सकता है पूरी बोरी मंगवा लेते हो हंड्रेड के गेहूं मंगवाए और खुद पिसवाते हो तो देखिये जिस घर में पांच किलोग्राम का पैकेट आता है आप एक चीज देखना वहां जब भी आटा खत्म होगा फिर से पांच किलोग्राम मंगवा लेंगे फिर खत्म हुआ फिर पांच किलोग्राम का पैकेट आएगा अगर आपके घर में टेन के जी आता है तो जैसे ही खत्म हुआ फिर से टेन के जी आएगा फिर खत्म हुआ फिर से टेन के जी आएगा अगर मान लीजिए सौ किलो मंगवाते हैं आप तो चाहे एक साल दो साल में आए जब भी आएगा दोबारा से सौ किलो की बोरी ही आएगी तो हर घर ने एक सिस्टम सेट कर रखा है कि भाई हम पांच किलोग्राम को रिपीट करते हैं इसे कहते हैं कि हम पांच किलोग्राम के ऑर्डर को रिपीट करते हैं यहां पर कहते हैं आ, हम टेन किलोग्राम के ऑर्डर को रिपीट करते हैं यहां हम हंड्रेड के किलोग्राम को रिपीट करते हैं ऐसे ही आप देख लेना चीनी के लिए अगर आपके यहां पर सुगर खत्म हो जाती है तो कई लोगों के घर पे वन के जी शुगर का पैकेट आता होगा कई लोगों के टू के जी आती होगी एक बार में कई लोगों के फाइव के जी तो जिसके घर में जो भी सिस्टम बना हुआ है वो बार बार खत्म होने पर उतने ही किलोग्राम मंगवाता है यानी हम सब लोगों के घर में क्या सिस्टम सेट है कि एक बार एक ऑर्डर क्वांटिटी सेट कर ली और फिर उसी को हम रिपीट करते रहते हैं वही बार बार रिपीट होती रहती है तो इसी को बोलते हैं रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी तो जिस क्वांटिटी को कंपनी रिपीट करती है मटेरियल खरीदने के लिए उसे हम रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं आप पांच किलो चीनी भी मंगवा सकते हो बार बार आप दस किलो भी मंगवा सकते हो आपको एक सिस्टम सेट करना होगा सिस्टम सेट करने से क्या होता है टेंशन नहीं रहती भाई चीनी खत्म हो गई सीधा हिसाब है पांच किलो ले आओ आपके घर में फिर वो डिब्बा भी जो होगा चीनी रखने का बड़ा वाला वो पांच किलो का ही होगा आटे का दस किलो मंगवाते हो तो आटे का जो ड्रम होगा वो दस किलो का होगा क्या आया दस किलो आटा पलटा फिर जब आटा खत्म हो गया फिर दस किलो रिफिल कर लिया तो हमारे घरों में भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता है अगर आप घर के बाहर रहते हो तो आप एटीएम से पैसे विद्रॉ करते हो तो आप देखना आपका एटीएम से पैसे विद्रॉ करने की अमाउंट फिक्स होगी आप अगर एबनॉर्मल खर्चा ना हो कोई तो आप हमेशा एक बार में दस हजार निकालते हो तो आप दस हजार ही निकालते होंगे हमेशा कि एक बार दस हजार निकाले बात खत्म कुछ बच्चे पांच हजार निकालते हैं तो पांच हजार ही निकालते होंगे कुछ बच्चे एक हज़ार निकालते हैं तो वो थाउजेंट ही निकालते होंगे ऐसे ही जो मेट्रो का रिचार्ज करवाते हैं बच्चे जैसे मेट्रो के अंदर जाते आते हैं तो उनके पास कार्ड होता है मेट्रो का कुछ बच्चे दो दो सौ रुपए का रिचार्ज करवाते हैं खत्म हुआ फिर दो सौ का फिर खत्म हुआ दो सौ का कुछ बच्चे पांच पांच सौ रुपए का रिचार्ज करवाते हैं खत्म हुआ पांच सौ का रिचार्ज करवाया तो सिस्टम हो तो सेट होता है कि एक बार हमारा रिचार्ज खत्म होगा तो हम इतना ही रिचार्ज करवाएंगे तो रिओर्डर क्वांटिटी भी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर साइज है सिस्टमैटिक ऑर्डर साइज टू purchase रॉ material. ये ऑर्डर साइज क्या हो सकता है कंपनी की मर्जी है कुछ भी रख सकती है लेकिन यह रिपीट होगा एक बार जो ऑर्डर साइज सेट कर लिया वो रिपीट होता रहेगा तो री ऑर्डर क्वांटिटी या रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी हम एक बार जो क्वांटिटी सेट कर देंगे हमारी ये रहेगी, हम उसी को रिपीट करेंगे हम उसको चेंज नहीं करेंगे टेन थाउजेंड यूनिट्स अगर हमें एक बार में मंगवानी है तो हम हमेशा टेन थाउजेंड ही मंगवाया करेंगे सेकेंड हमारे पास बेसिक टर्म है ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ परचेज ऑर्डर ये हमारे पास सप्लायर है हम सप्लायर से जो सामान मंगवाएंगे ट्रक में ये जो सामान रखा हुआ है इस सामान को हम बोलते हैं आर ओ क्यू क्योंकि हम ट्रक में हर बार एक ही क्वांटिटी को बार बार मंगवाते होंगे जैसे हम दस हजार यूनिट मंगवाते हैं तो हम सप्लायर से हर बार दस हजार ही मंगवाएंगे ये हम हर बार रिपीट करेंगे ठीक है अब ये ट्रक यहां से चलकर आपके स्टोर तक आएगा इस बीच में बहुत सारे खर्चे होंगे फ्रेट जाएगा लोडिंग होगी अनलोडिंग होगी ट्रांजिट इंश्योरेंस होगा जितने भी खर्चे हैं उन सारे खर्चों को बोला गया है ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट एसोसिएटेड विद सिंगल परचेज ऑर्डर अब हमारे पास अगर पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको निकालनी है फॉर्मूला एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में आपने कितने ऑर्डर दिए हैं आप इसको कह सकते हैं कितने चक्कर ट्रक वाले के लगे हैं तो जैसे मान लीजिए आपको एक लाख यूनिट मंगवानी है और पूरे साल में और आप एक बार में टेन थाउजेंड यूनिट मंगवाते हो तो बताइए कितनी बार ट्रक के चक्कर लगेंगे आप क्या करते हो पूरे साल में एक लाख यूनिट चाहिए आपको एक बार में टेन थाउजेंड यूनिट आप मंगवा रहे हो तो बताइए ट्रक के कितने चक्कर लगेंगे दस चक्कर एक बार दस हजार लाएगा फिर जब खत्म हो जाएगा फिर से टेन थाउजेंड मंगवा लेंगे फिर जब खत्म हो जाएगा फिर से टेन थाउजेंड मंगवा लेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर ऑर्डर इसका एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास रहता है ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ जहां पर ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल टू बी परचेज इन क्वांटिटी तो पूरे साल में आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है पहले तो वो निकाल लो तो जैसे हमें जी एक लाख यूनिट खरीदनी है हमने निकाल दिया ओके आर ओ क्यू आपको मतलब है रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है यहां पर कॉस्ट पर ऑर्डर अब अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला सेम है बस लिखने का तरीका अलग है ऊपर वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है ऊपर वाले फॉर्मूले में हमारे पास है सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर तो ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू से हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाते हैं कैसे ए बताता है पूरे साल में कितना खरीदना है वन लेख आर ओ क्यू बताता है एक ऑर्डर साइज आपका कितना है टेन थाउजेंड का तो बताइए वन लेख पूरे साल में खरीदना है एक बार में टेन थाउजेंड यानी नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए दस तो आपके टेन ऑर्डर हो गए तो ए डिवाइड बाई आर नंबर ऑफ ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और ओ कॉस्ट पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है ओके अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ओ एग्जाम्पल सबसे पहले क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इसी को हम बोलते हैं ओ तो हमारी एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लीजिए दो हजार रुपये यानी ट्रक का आना जाना लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ टू थाउजेंड की रही है ठीक है सर ये टू थाउजेंड हो गई अब क्वेश्चन आपको बताएगा कहेगा कैलकुलेट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इफ आरओक्यू क्यू आरओ क्यू यानी आपकी कंपनी किस ऑर्डर साइज को फॉलो करती है एज ए हम एक बार में पांच हजार यूनिट मंगवाएंगे सेकेंड हम एक बार में टेन थाउजेंड यूनिट्स मंगवाएंगे थर्ड हम एक बार में ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स मंगवाएंगे एंड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इसे हम बोलते हैं ए कि पूरे साल में कितनी रिक्वायरमेंट आपको परचेज करनी है इक्व टू वन लेख यूनिट्स। तो आपके पास में आपको निकालनी है कॉस्ट पर ऑर्डर इसमें एक मैं एग्जाम्पल ऐसे करता हूं जिससे राउंड ऑफ ना आए। तो मैं ले लेता हूं थर्टी थाउजेंड कर इसको थर्टी कर दीजिएगा ट्वेंटी वाले को थर्टी एक कंसेप्ट इसमें और छोटा सा मेरे को बताना है आपको अब सोल्यूशन एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वस टू ए डिवाइड बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ केस एर ओ क्यू फाइव थाउजेंड यूनिट्स तो आप लोग भी निकाल सकते हैं इसको एक ही मिनट में निकल जाएगा देखो ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू लेना है आपको एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई वन लैक यूनिट्स एक बार में कितनी मंगवा रहे हो आप फाइव थाउजेंड कंपनी की मर्जी है कितनी मंगवाना चाहती है कुछ भी सिस्टम सेट कर सकते हैं हमारे घर में भी कोई हमारे ऊपर बंदिश थोड़ी है कि किलोग्राम ही गेहूं मंगवाओगे या एक बार में दस किलोग्राम आटा मंगवाओगे हमारी मर्जी है होती है कुछ लोग पांच किलोग्राम सेट करते हैं कुछ लोग दस किलोग्राम सेट करते हैं मेट्रो का जब आप रिचार्ज करवाते हो तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी कि दस हजार का करवाओ पांच हजार का करवाओ आपकी मर्जी है दो सौ का करवा लो आपकी मर्जी है पाँच सौ का करवा लो तो ये अपना सिस्टम सेट होता है अपने हिसाब से सिस्टम सेट कर देता है मैं 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 तो इतना इतना भाई हर 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 बार इतना मैं हर बार बार रिचार्ज एटीएम से इतनी ही चीनी मैं हर बार इतना ही आटा सब पांच हजार यूनिट मंगाऊंगी मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है टू थाउजेंड अब जो है नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए ट्वेंटी ऑर्डर हो गए मल्टीप्लाई बाई टू थाउजेंड यानी फोर्टी थाउजेंड रुपीज का आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी ठीक है केस नंबर बी आप लोग मुझे पहुंच करके सोल्व कर सकते हैं खुद से आर ओ क्यू टेन थाउजेंड यूनिट्स इक्व टू आर ओ क्यू टेन थाउजेंड यूनिट इक्व टू वन लैक यूनिट्स डिवाइडेड बाई एक बार में टेन थाउजेंड मंगवा रहे तो हो तो टेन ऑर्डर हो गए आपके बताइए खर्चा कितना हुआ ट्वेंटी थाउजेंड आपका खर्चा ट्वेंटी थाउजेंड हो गया ठीक है अब केस नंबर सी में आप देखना थोड़ा सा फंसोग जब आर ओ क्यू थर्टी थाउजेंड यूनिट है तब है। ऐसी सिचुएशन में वन लैख डिवाइडेड बाई थर्टी थाउजेंड जब आप करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ रहे हैं आपके वन लैख डिवाइड बाई थर्टी थाउजेंड नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं थ्री पॉइंट थ्री थ्री ऑर्डर थ्री पॉइंट थ्री थ्री ऑर्डर का क्या मतलब है सोच के देखिए हम तो हर बार तीस हजार यूनिट मंगवा रहे हैं तो भैया एक बार तीस हजार मंगवाई फिर दूसरी बार तीस हजार मंगवाई तीसरी बार तीस हजार मंगवाई नब्बे हजार हो गई थर्टी फिर दूसरी बार थर्टी फिर तीसरी बार थर्टी चौथी बार भी हम तो हमेशा थर्टी मंगवाएंगे तो सर ये तो एक लाख से ज्यादा हो गई कोई बात नहीं बीस हजार क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा अगर ज्यादा या कम नहीं मंगवाई जाएगी तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक कैसे बनेंगे इसीलिए तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक बनते हैं तो एक लाख बीस हजार आ गई बीस हजार अगले साल इस्तेमाल हो जाएगी अब मुझे ये बताओ ऑर्डर कितने हुए अगर एक लाख से डिवाइड करूं थर्टी थाउजेंड को तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है पर बताइए पहले ऑर्डर में थर्टी आई दूसरे ऑर्डर में थर्टी आई तीसरे ऑर्डर में थर्टी आई नाइनटी थाउजेंड हो गई अब बताइए बुलवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सर चौथी बार तो ट्रक को बुलवाना पड़ेगा तो भाई साहब यहां पर थ्री पॉइंट थ्री थ्री है तो आईसीएआई कहता है नोट नंबर ऑफ ऑर्डर्स मस्ट बी पॉजिटिवली राउंडिंग ऑफ़ ऑर्डर्स को पॉजिटिवली राउंड ऑफ करेंगे वैसे तो हमारे पास क्या रूल रहता है कि सर 3.5 हो तो 4 कर लो लेकिन अगर 3.4 हो तो उसको हम 3 करते हैं राउंड ऑफ करने की बात करें पॉइंट फाइव या उससे ऊपर हम पॉजिटिव कर देते हैं 3.5 को 4 कर देते हैं लेकिन 3.4 को 3 करते हैं लेकिन यहां पर ये ऐसे राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट नहीं है यहां पर कंसेप्ट यह है कि थ्री के बाद में अगर कुछ भी आ रहा है अगर थ्री के बाद वन भी आ रहा है इसका मतलब तीन ऑर्डर तो हमारे पूरे आ चुके हैं तब भी कुछ कमी रह गई तभी डेसिमल कुछ ना कुछ बना है तो चौथा ऑर्डर आपको करना ही पड़ेगा मैं आपको इसकी जगह बताता हूं अगर हम इसको थर्टी टू थाउजेंड एंट्री कर दें थर्टी टू थाउजेंड मंगवाता हूं एक बार में थर्टी थ्री थाउजेंड्री कर दें तो मेरे पास कितना आएगा वन लैख डिवाइड बाई थर्टी थ्री थाउजेंड्री पॉइंट जीरो थ्री आएगा मेरे पास इसका क्या मतलब है पहले ऑर्डर में थर्टी थ्री आ गया दूसरे ऑर्डर में फिर से थर्टी थ्री आ गया तीसरे ऑर्डर में फिर से थर्टी थ्री आ गया नाइनटी नाइन थाउजेंड आ चुका है बताइए अभी भी वन थाउजेंड के जी कम है तो चौथा ऑर्डर आपको देना ही पड़ेगा तभी आपके पास एक लाख पूरा हो पाएगा और बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है तो यानी अगर .01 भी होगा, तो भी हम उसको कर देंगे। ये आईसीआई का रूल है तो बताइए होंगे वो राउंड ऑफ करने हैं और पॉजिटिवली करने है थ्री पॉइंट थ्री ऑर्डर है 3 .3 तो हम इसको करेंगे फोर ऑर्डर इसका मतलब चार ऑर्डर गए होंगे टू थाउजेंड का खर्चा है तो हमारा खर्चा हो गया एट थाउजेंड रुपीज ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया अगर आप ऑर्डरिंग तो हमने ऑर्डर साइज क्या क्या लिए थे हमने पहले आरओ क्यू लिया था फाइव थाउजेंड यूनिट फिर हमने आरओ क्यू को यानी ऑर्डर साइज को बढ़ा दिया टेन थाउजेंड करा फिर ऑर्डर साइज को और बढ़ा दिया थर्टी थाउजेंड कर दिया जैसे जैसे हम ऑर्डर साइज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले चालीस हजार थी फिर बीस हुई फिर आठ हजार रह गई इसका मतलब यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स या ऑर्डर साइज कि आप एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आपका ऑर्डर साइज जितना बड़ा होगा इधर से इधर बड़ा होता जाएगा यहां पर हम ले लेते हैं कॉस्ट आपकी कॉस्ट उतनी नीचे चाहती चली जाएगी तो जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता चला जाता है कॉस्ट कम होती चली जाती है इसे हम कहते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट तो एज पर ऑर्डरिंग हमें क्या करना चाहिए ऑर्डर साइज बहुत बड़ा लेना चाहिए अच्छा ये कभी भी जीरो को नहीं छू सकता क्योंकि एक साल में कम से कम एक ऑर्डर तो आपको देना ही पड़ेगा तो ये कभी जीरो नहीं होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ ना कुछ तो आपकी लगेगी ठीक है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का सजेशन क्या रहेगा बड़े से बड़ा ऑर्डर दो ठीक है जी ये एक एस्पेक्ट हो गया यह ऑर्डरिंग कॉस्ट वाली बात हो गई अब हमारे पास हमारे को जो बात अभी तक समझ में आई आरओ क्यू का मतलब कोई भी एक ऑर्डर साइज जो कंपनी पकड़ के चलती है कि हम इसी तरीके से ऑर्डर देंगे दूसरा हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई यानी परचेज ऑर्डर के लिए आपने जब एक बार सप्लायर से सामान खरीदा तो उसे सप्लायर के यहां से आपके यहां तक आने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं इसके बाद है हमारे पास सी कैरिंग कॉस्ट carrying cost or holding cost cost associated with holding of raw material stock तो रॉ मेटेरियल को होल्ड करने के लिए जो भी खर्चा लगता है क्या क्या खर्चा लगेगा रॉ मेटेरियल को होल्ड करने में भाई स्टोर का रेंट जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और स्टोर के अंदर जो स्टोर कीपर है उसकी सैलरी जाएगी इंश्योरेंस लगेगा जो स्टोर के अंदर सामान रखा है उसका और प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी इसके साथ ऑप्सीलेंस लॉस भी होता है ऑप्सीलेंस का मतलब होता है सामान रखे रखे खराब हो जाता है तो वो भी आपका नुकसान होगा वो भी कैरिंग कॉस्ट के अंदर आता है तो कैरिंग कॉस्ट के अंदर मेनली हमारे पास रहेगा स्टोरेज का जो भी खर्चा है किराया भाड़ा इलेक्ट्रिसिटी ये सब प्लस इंटरेस्ट जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमारे फंड्स ब्लॉक हो गए प्लस ऑप्सिलेंस एटसेट्रा ये हमारे पास तीन खर्चे रहेंगे ठीक है अब इसके अंदर जो कैरिंग कॉस्ट है बड़ी सिंपल है जितना ज्यादा सामान उतनी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट आपकी लगने वाली है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा फॉर्मूले के बाद एग्जाम्पल लेकर समझेंगे भी इसका हमारे पास होता है कैरिंग कॉस्ट का हाफ ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई सी हाफ ऑफ ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी एग्जाम्पल किससे समझेंगे कैसे चल रहा है एग्जाम्पल पहले यहां पर हेयर लिखवा दू हेयर आर ओ क्यू आपको मालूम है हाफ भी आपको समझ में आ रहा है हाफ क्यों लिया है उसकी बात करेंगे हम सी इक्व टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर रहना ओके एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए परचेज प्राइस पर यूनिट इक्व टू वन हंड्रेड एक यूनिट सौ रुपए की है ठीक है क्वेश्चन आपको सीधे बताएगा कैरिंग कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन ने कह दिया इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट है ट्वेल्व परसेंट पर एन तो सौ रुपए परचेज प्राइस है इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट दे दिया कई बार सीधे लिख के दे देता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट <coughs> तो इंटरेस्ट रेट आ गया हमारे पास ट्वेल्व परसेंट पर एन एम या कैरिंग कॉस्ट एक दी रुपीज ट्वेल्व पर यूनिट सीधे लिख के दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एन एम इक्व टू ट्वेल्व रुपीज हंड्रेड रुपीज का सामान है ट्वेल्व परसेंट का इंटरेस्ट पूरे साल में मिलता है यानी अगर गोडाउन में एक यूनिट रखी हुई है अगर गोडाउन में एक यूनिट रखी हुई है तो उसमें हमारा पैसा कितना लगा हुआ है सौ रुपए की खरीदी हमने अगर वही सौ रुपए में बैंक में रखता तो मेरे को बारह रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता अच्छा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट स्टोरेज और आपको ऑप्शलेंस सब कुछ एक साथ देंगे ऐसा नहीं परसेंटेज में दे देंगे दे या तो कि भैया कैरिंग कॉस्ट ट्वेल्व परसेंट है या लिख के दे देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ट्वेल्व रुपीज है कंसेप्ट समझाने का सेंस है सी इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है कि आपको लिख के दे रेंट इतना है इलेक्ट्रिसिटी इतनी है ऐसा नहीं सीधा सीधा दिया जाएगा बिल्कुल साफ ओके जी तो आप सोचिए कि अगर मेरे गोडाउन में एक यूनिट रखी हुई है तो सौ रुपये उसमें मेरे लगे हुए हैं वही सौ रुपए अगर मैं बैंक में रखता तो मेरे को ट्वेल्व रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाता ये मेरी कैरिंग कॉस्ट हो गई गई कि सर इसमें स्टोरेज इस तरह से नहीं देते कोई भी एक चीज दे देंगे जैसे इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट के साथ में इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑफ सिलेंस सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें हम ये मान के चलेंगे इसमें सब जुड़ा हुआ है ठीक है अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कैलकुलेट एनुअल कैरिंग कॉस्ट

तीन आर दे दिए और उस पर कैरिंग कॉस्ट पूछिए कि पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी तो सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला एनुअल कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है अगर फॉर्मूला नहीं लिखा होता तो एग्जामिनर कई बार बिगड़ जाता है इस बात पर कई बच्चे कहते हैं सर हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया था लेकिन हमारे को मार्क्स नहीं मिले कई बार एक दो नंबर कम मिलते हैं तो वो फॉर्मूला ना लिखने की वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं तो वो जरूर लिखिए बच्चे पूछते हैं सर ये सी लिखा है आपने सिर्फ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखा आर ओ क्यू लिखा है आपने रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी नहीं लिखा तो क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं ये फॉर्मूलाई आईसीआई का लिखा हुआ है मैं यहां जो भी क्वेश्चन सोल्व करवाते लिखूंगा आप एग्जाम में उसको बिल्कुल सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं ओके okay. अब केस ए आर ओ क्यू ए फाइव थाउजेंड यूनिट ओके तो हमारे पास हाफ ऑफ आर ओ क्यू है फाइव थाउजेंड एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट है तो ₹12 तो 5000 12 2 रुपीज़ हमारी कैरिंग कॉस्ट लग गई ठीक है जी फॉर्मूले से तो समझ में आ रहा है कि कैसा करना है अब ये हाफ ऑफ आर ओ क्यू क्यों लिखा हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे कि 1/2 ऑफ आर ओ क्यू क्यों लिखा हुआ है ओके y 1/2 ऑफ r o q देखिएगा आप जब बैंक में पैसा रखते हैं ये देखिए ये हमारे पास है स्टोर में कितनी यूनिट्स आपकी रखी रहेंगी वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं तो ये हमारे पास टाइम यानी मान लेते हैं पूरा साल और यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की तो आप एक बात बताइए आप कितनी यूनिट्स एक बार में मंगवा रहे हैं यहां पर तो यहां पर आ रो क्यू फाइव थाउजेंड है इसका मतलब मैं यहां पर मान लेता हूँ फाइव थाउजेंड है यूनिट्स और यहां पर मान लेता हूं जीरो यूनिट ओके अब आप बताइए आप जब बैंक में पैसा रखते हैं पांच हजार है यूनिट कितने की हो गई जरा मुझे बताना पांच हजार यूनिट हो गई सौ रुपए की एक है इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया फाइव लाख रुपीज ये आपका इन्वेस्टमेंट है फाइव थाउजेंड यूनिट सौ रुपए की एक है पांच लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो एक बात तो ये हुई कि मैं पांच लाख रुपए बैंक में रख दूर तो मुझे बताइए आप बैंक में रखेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको ट्वेल्व परसेंट साठ हजार रुपए मिलेगा लेकिन यहां पर हम कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम वन बाई टू लगा देते हैं उसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं देखिए बैंक के अंदर क्या होता है पैसा आपने रखा वो पूरे साल रखा रहेगा तो पूरे साल का उस पर आपको रिटर्न मिल जाएगी लेकिन अगर मैं स्टोर की बात करूं तो स्टोर में क्या होता है जैसे आपने फाइव यूनिट्स मंगवाई क्या वो स्टोर में रखी रहेंगी या फिर स्टोर उसको फैक्ट्री में भेजता रहता है रोजाना के बेसिस पर तो मैं आपको बता दूं स्टोर अपने पास पूरे साल पांच हजार यूनिट नहीं रखेगा स्टोर के पास पांच हजार यूनिट आई उसके बाद क्या होगा धीरे 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 कभी पचास कभी सौ यूनिट कभी दो सौ यूनिट वो इशू होती रहेंगी और फैक्ट्री में जाती रहेंगी तभी तो सामान बनेगा आपका तो ये जो फाइव थाउजेंड यूनिट है ये धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो जाती है जैसी जीरो होती है हम फिर से पांच हजार यूनिट मंगवा लेते हैं तो हमारा स्टॉक फिर से रिफिल हो जाता है फिर से रिफिल हो गया जी अब फिर क्या होगा फिर से थोड़ी थोड़ी यूनिट इशू होती यूनिट अगर आप देखें क्या मेंटेन है या वैरी कर रही है तो ये वैरी कर रही है ये खत्म हो जाती है फिर से हम मंगवा लेते हैं फिर खत्म हो गई फिर से हमने मंगवा लिया तो पूरे साल यही कार्यक्रम हमारे पास चलता रहेगा अब बच्चों की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है बच्चों की सबसे बड़ी आदत क्या है कि जैसे वो कंसेप्ट को समझते हैं ओबीडियंट बहुत होते हैं बच्चे बहुत ओबीडियंट होते हैं मैं हमेशा ये कहता हूं मैंने यहां पर समझाने के लिए ऐसे बनाया है तो अब जैसे मैंने यहां से पांच हजार से जीरो पे ले गया फिर रिफिल करा फिर पाँच हजार से जीरो पे ले गया फिर रिफिल करा तो बच्चों ने जितनी बार मैंने ये बनाया है उतनी बार बनाया होगा भाई साहब बच्चा ये भी तो कर सकता था कि हाँ ठीक है पांच हजार से जीरो फिर आ गई फिर जीरो फिर पांच हजार जीरो फिर पांच हजार से फिर जीरो हो गया जी काम खत्म हो गया इतनी हो गई लेकिन बच्चे इतने ओबीडियंट होते हैं कि मैंने एक मैंने एक दो तीन चार पांच छह सात बार रिफिल किया है तो बच्चे ने भी सात बार ही रिफिल कर दिया होगा वेरी गुड ऐसे ही करना है आपको ऐसे ही चलना है ओबीडियंट बच्चे बहुत पसंद है मुझे अब मुझे बताइए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है आपका इन्वेस्टमेंट क्या पांच हजार पूरे साल है या कभी पांच हजार है और कभी जीरो है आंसर इज आपका इन्वेस्टमेंट कभी तो पांच हजार है कभी थोड़ा सा गिर के फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड समथिंग फिर फोर्टी एट हंड्रेड समथिंग फोर्टी सेवन फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव गिरते 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 एक दिन जीरो हो जाएगा तो हम लोग यहां पर जब भी कोई चीज वेरी करती है फ्लक्चुएट करती है तो हम फ्लक्चुएशन वाली चीज में ना मैक्सिमम पर लगाते हैं ना मिनिमम पर हम एवरेज पे लगाते हैं बताइए इसका एवरेज कितना निकल कर आएगा पांच हजार यूनिट डिवाइड ऑन एन एवरेज कितनी यूनिट हो गई इसीलिए हम यहां पर पांच यूनिट पर कैरिंग कॉस्ट नहीं बल्कि उसके आधे पर लगाते हैं बताइए फाइव थाउजेंड का आधा कितना हो गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो यहां पर जो फाइव थाउजेंड प्लस जीरो डिवाइड बाई टू है या फिर हाफ ऑफ फाइव थाउजेंड है दोनों का मतलब सेम है तो कैरिंग कॉस्ट में वन बाई टू इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि जो हमारा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो इंटैक्ट नहीं रहेगा बल्कि कभी कभी गिरते गिरते जीरो हो जाएगा फिर फिर से पूरा पांच लाख फिर पांच लाख से इन्वेस्टमेंट चार लाख तीन लाख दो लाख फिर एक दिन स्टोर पूरा खाली हो जाएगा जीरो इन्वेस्टमेंट है जी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो मैं जीरो पे इंटरेस्ट लगाऊं या पांच पे इसका तरीका निकाला कि हम इसके एवरेज यूनिट पे निकालेंगे बताइए एवरेज यूनिट हमारी कितनी आएंगी एवरेज यूनिट हमारी आ जाएगी हाफ ऑफ फाइव तो इसलिए हम वन बाई टू ऑफ आर क्यू करके कैरिंग कॉस्ट को निकालते हैं ठीक है जी कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ आर क्यू पे आ गई अब हमारे पास केस बी है केस बी अगर हमारा आर क्यू कितना टेन थाउजेंड है अगला? कितना लिया मैंने एग्जाम्पल में टेन थाउजेंड फिर थर्टी थाउजेंड ठीक है एज टेन थाउजेंड यूनिट हाफ ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई ंग कॉस्ट पर यूनिट ट्वेल्व रुपीज एक लाख बीस हजार साठ हजार रुपए हो गई है। और केस सी अगर आपका आर ओ क्यू थर्टी थाउजेंड यूनिट है तो हाफ ऑफ थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व वन लैक एटी थाउजेंड ठीक है जी इसको नोट कर लीजिए क्लियर है सर ये तो पूरा समझ में आ रहा है अब आपको आरओक्यू क्लियर हो गया आरओक्यू मतलब कोई भी ऑर्डर साइज आप कंपनी फाइनल कर सकती है ठीक है केस भी है कि भाई दूसरा जो हमने सीखा न, सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सप्लायर के यहां से अपने हाथ तक सामान मंगवाने का जो खर्चा है रॉ मटेरियल का तीसरा है उस सामान को स्टोर में रखने का खर्चा यानी कैरिंग कॉस्ट अब अगर आप कैरिंग कॉस्ट की नेचर देखें तो ऑर्डर साइज की बात अगर मैं करूं या नंबर ऑफ यूनिट्स की और यहां पर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कैरिंग कॉस्ट के साथ में आप देखेंगे जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है पहले फाइव थाउजेंड था तो थर्टी थाउजेंड खर्च हो रहे थे फिर यूनिट्स बढ़ गई टेन थाउजेंड हो गई तो साठ हो गए फिर और बढ़ गई तो और बढ़ गया तो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है अगर आपका ऑर्डर साइज जीरो है यानी आपने कुछ भी नहीं मंगवाया तो कॉस्ट जीरो लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्डर साइज को बढ़ाते जाओगे कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी तो कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज के साथ बढ़ती चली जाती है एनुअल कैरिंग कॉस्ट तो कैरिंग कॉस्ट का नेचर है कि वो ऑर्डर साइज के साथ बढ़ती चली जाएगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट का नेचर है कि वो ऑर्डर साइज के साथ गिरती चली जाएगी इन दोनों के ही बैलेंसिंग करके हमें निकालना है एक ऐसा ऑर्डर साइज जिसको हम बोलेंगे ईओ क्यू ई क्यू यानी ऐसा ऑर्डर साइट जो सबसे सस्ता बैठे जिस पर हमारी कॉस्ट सबसे कम आए ओके नाउ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओ क्यू रेफर्स टू दैट ऑर्डर साइज यूनिक आरओक्यू, क्यू कोई एक ऐसा आर ओ क्यू होगा एट विच टोटल ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट एज लोएस्ट तो ईओ क्यू का मतलब है ऐसा ऑर्डर साइज जिस पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल लोएस्ट हो असल में हमारे दोनों खर्चे लगने हैं हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगनी है कैरिंग कॉस्ट भी लगनी है तो दोनों का टोटल कम से कम आए ऐसा हम ऑर्डर साइज सेट करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं ईओ क्यू एट ईओ क्यू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्व टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट अब सिनेरियो क्या है अंडरस्टैंडिंग देखिए यहां पर दो कॉस्ट हैं एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी है कैरिंग कॉस्ट दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है एक ऑर्डर साइज के साथ बढ़ रही है एक ऑर्डर साइज के साथ कम हो रही है जब दो कॉस्ट हो या जब दो वेरिएबल हो और दोनों का रिलेशन एक दूसरे से इनवर्स हो जैसे डिमांड और सप्लाई का होता है तो इक्विलिब्रियम लेवल पर लेवल बोलते हैं जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए अगर मैं इन दोनों को जोड़कर आपको चार्ट दिखाऊं तो हमारे पास चार्ट कुछ ऐसे बनकर आएगा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जाएगी ये कैरिंग कॉस्ट जाएगी तो ये है एनुअल कैरिंग कॉस्ट और ये है हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट अब बताइए ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल यहां नीचे हमारे पास ऑर्डर साइज है तो ऑर्डर साइज में हमारे पास फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड कोई भी ऑर्डर साइज ले लो कोई भी ऑर्डर साइज आर ओ होता है लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट जिस ऑर्डर साइज के ऊपर है इस ऑर्डर साइज को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये एक यूनिक आरओ क्यू है यह अपने आप में पूरी की पूरी लाइन पर कोई एक आरओ क्यू होगा किसी एक ऑर्डर साइज के ऊपर साइज तो ऑर्डर साइज तो फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड कुछ भी हो सकता है लेकिन एक ऐसा आरओ क्यू होगा जिसके ऊपर यह दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ऑर्डरिंग और कैरिंग वहां पर आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आती है तो ये हमारे पास लाइन बनती है टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट सबसे कम कब आती है जब वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर होती है इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे निकलेगा अब फॉर्मूले में कैसे निकलेगा बड़ा सिंपल है हमें क्या करना है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को एक दूसरे के बराबर करना है अब जरा देखिए एट ईओ क्यूब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्व टू एनुअल फॉर्मूला क्या था ए बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ कैरिंग फॉर्मूला क्या था हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी ठीक है ना ये दोनों का फॉर्मूला था मैंने दोनों को आमने सामने रख दिया अब जरा देखिए यह जो टू यहां पर डिवाइडेड में है यह सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा टू ए ओ ई में डिडेड बाई आर ओ क्यूक्वस टू आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी ठीक है अब ये जो सी है मल्टीप्लाई में ये यहां पर जाकर डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये आर ओ क्यू यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू एड बाई सी टू आर ओ क्यू स्क्वायर आर ओ क्यू जाकर मल्टीप्लाई हो गया आर ओ क्यू में आर ओ क्यू स्क्वायर हो गया और यहां पर सी नीचे आ गया ठीक है अब हमारे पास अगर मैं आर ओ क्यू का स्क्वायर हटा दूं, तो बताइए आर ओ क्यू का स्क्वायर हटाते ही सामने अंडर रूट लग जाएगा टू डिवाइड बाई सी बताइए वो आरओ क्यू आराम से सुनिएगा वो आर ओ क्यू जिस आरओ क्यू पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट एक बराबर हो जाती है वो आरओ क्यू सारे आर ओ क्यू हो है क्या यानी

और इसी यूनिक आरओ क्यू को बोला गया है ईओ क्यू के ये सबसे सस्ता है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है टू ए डिवाइड बाई सी अंडर रूट ये हमारे पास ईओ क्यू का फॉर्मूला बन जाता है यहां पर अगर मैं बात करूं कि भैया ए का क्या मतलब है तो यहां पर ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल क्वॉंटिटी टू बी परचेज सर ये कहा से निकाला आपने अभी तो ऊपर लिखवाया था बच्चों जब ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हम लिख रहे थे तो डिवाइड बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई किया था वहां पर हमने लिखा था ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल टू बी परचेज इन क्वांटिटी कितनी क्वान्टिटी रॉ मेटेरियल की आपको पूरे साल में खरीदनी है यह है ए का मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग बहुत ही सिंपल भी है बहुत आसान है ईओ की कुछ एजमशन हैं अब जिससे कि ये इस फॉर्मूले को साइंटिफिकली बता बना पाए इन्होंने कुछ एजम्शन बना दी एजम्शन बड़ी सिंपल है इस फॉर्मूले में आपको जितनी भी चीजें दिख रही है एक है ए एक है o, और एक है सी टू तो टू है इन्होंने कहा ये तीनों चीजें हैं जिससे फॉर्मूला बन पाए अगर कोई चीज फिक्स नहीं होती तो वो फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं हो सकती तो इन्होंने कहा जो ए है फर्स्ट एजम्पन एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल ये हो गया एज नॉन एंड फिक्स ये हमें पहले से पता है और ये फिक्स है तो पूरे साल में एक लाख ही होने चाहिए तो एक लाख ही चाहिए ओके okay. दूसरा है हमारे पास ओ कॉस्ट पर ऑर्डर इज नॉन एंड फिक्स्ड तो कॉस्ट पर ऑर्डर पता है पहले से और फिक्स है मतलब ट्रक वाले को दो हजार रुपए देने हैं कितनी भी यूनिट लाओ एक यूनिट लाओ दस हजार लाओ एक लाख लाओ फिक्स है अदरवाइज हमारा फॉर्मूला नहीं बन पाएगा थर्ड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एम एज Non -end -fixed. जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो परैन फिक्स है यानी 12 परसेंट का इंटरेस्ट रेट है तो 12 परसेंट ही है और कह दिया देयर एज नो क्वांटिटी डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट होगी तो क्या होगा अगर क्वांटिटी डिस्काउंट होगी तो सौ रुपए वाली चीज आपको फिर छियानवे छियानवे रुपए में मिल सकती है अब मान लो सौ रुपए वाली चीज है क्वांटिटी डिस्काउंट मिल गई पांच परसेंट आपको चीज मिली नाइन्टी फाइव में कैरिंग कॉस्ट का रेट है बारह परसेंट तो पहले आपका इंटरेस्ट बारह रुपये जा रहा था अब बारह रुपये की जगह नाइन्टी फाइव इंटू ट्वेल्व परसेंट इलेवन पॉइंट फोर हो जाएगा तो बोले कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है अच्छा ये जो एजम्शन है क्या ये सही है मतलब क्या प्रैक्टिकल लाइफ में काम करती होंगी मुझे बताइए प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कैसे पता हो सकता है कि पूरे साल में कितना सामान खरीदना है वो फिक्स कैसे हो सकता है भाई पूरे साल में पांच मान लो हमें एक लाख यूनिट खरीदनी है लेकिन हो सकता है हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए तो एक लाख से ज्यादा खरीदनी पड़े हो सकता है कम खरीदनी पड़े क्योंकि ऑफिसजन आ जाए कोविड आ जाए तो ये फिक्स कैसे हो सकता है बोले लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि फिक्स है तो ये एजम्स सिर्फ थ्योरी के लिए है प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई रोल नहीं है बताइए कॉस्ट पर ऑर्डर फिक्स कैसे हो सकती है यानी ट्रक में एक यूनिट लाओ या एक लाख यूनिट लाओ भाई ट्रक में एक लाख यूनिट आएंगी ही नहीं हो सकता है कि दस ट्रक करने पड़े हमें तो ये भी एजम्शन सही नहीं है कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे हो सकती है इंटरेस्ट रेट बैंक का बदलता रहता है सालाना कोई क्वांटिटी डिस्काउंट पूरे मार्केट में क्वांटिटी डिस्काउंट चलती है और फिफ्थ है देयर एज नो लीड टाइम नो नीड ऑफ सेफ्टी स्टॉक ये बात हम बाद में करेंगे ये वाली एजम्स में आपको अभी नहीं समझा सकता ये जो अदर स्टॉक लेवल है उसके साथ में सिखाऊंगा तो ये इनकी हमारी एजम्पन हो गई अगर ये सारी एजम्पन फुलफिल हो जाए तो ईओ क्यू से सस्ता कुछ नहीं होगा तो क्या ये प्रैक्टिकली ऐसा रहेगा ऐसा नहीं है देखो ये जो फॉर्मूला बना है आपको ये एक आइडिया दे देगा कि हमें एक बार में कितनी यूनिट मंगवानी चाहिए तो ये आपको एक आइडिया देगा प्रैक्टिकली एक फिक्स क्वांटिटी हम नहीं निकाल सकते लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें एक बार में कितनी यूनिट मंगवानी चाहिए तो ईओ क्यू फॉर्मूला आपको आइडिया दे देगा कि एक बार में आप इतनी यूनिट मंगवाइए क्यू सबसे सस्ता रहेगा अगर कोई डिस्काउंट ना हो तो अगर कोई डिस्काउंट दे दे तो भाई हमारे को हो सकता है दूसरा कोई ऑप्शन ज्यादा सस्ता पड़ जाए आज हम इसी सारी चीजों के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सिर्फ एजम्पन एंड थ्योरी के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ईओ क्यू निकालना एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल वन लाख यूनिट कॉस्ट पर ऑर्डर फाइव हंड्रेड रुपीज ये हो गया एक ये हो गया ओ परचेज प्राइस पर यूनिट थ्री हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट फिफ्टीन परसेंट पर एन तो सी कितना आ गया फोर्टी फाइव रुपीज तो एनुअल रिक्वायरमेंट है वन लैख यूनिट फाइव हंड्रेड है ऑर्डरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस थ्री हंड्रेड है इंटरेस्ट पंद्रह परसेंट जा रहा है तो पैंतालीस रुपए एक यूनिट पर लगेंगे कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सॉल्यूशन. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्व टू टू ए डिवाइड बाई सी अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई वन यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइव हंड्रेड कैरिंग कॉस्ट हो गई हमारी थ्री हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट यानी फोर्टी फाइव रुपीज ईओ क्यू आपके पास निकल आएगा तो टू मल्टीप्लाई बाई वन लेख मल्टीप्लाई बाई फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई फोर्टी फाइव अंडर रूट वन फोर नाइन जीरो पॉइंट सेवन वन और वन फोर नाइन टू यूनिट्स वन फोर नाइन वन यूनिट तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया वन फोर नाइन वन यूनिट अच्छा क्या इस पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी फॉर्मूला बनाते हुए इक्वल रखते हैं लेकिन कई वजहों की वजह से वो थोड़ी सी बदल जाती है थोड़ी बहुत वो क्यों बदल जाती है जैसे अगर मैं इस पर एक्स्ट्रा वर्किंग करता हूं यहां पर एक्स्ट्रा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ एनुअल रिक्वायरमेंट है आपके पास वन लेख वन फोर नाइन वन ईओ क्यू हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है फाइव हंड्रेड अब नंबर ऑफ ऑर्डर देखिए One by one four nine one. Number of order हो गए देखिए अगर ये ही मैं ले लूँ तो तो मेरी ऑर्डरिंग हो जाएगी लेकिन यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा सिक्सटी एट ऑर्डर करने पड़ेंगे तो इसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे आपको नजर आएगी सिक्सटी एट मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड थर्टी फोर थाउजेंड तो हो गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट अब कैरिंग कॉस्ट निकालूंगा तो इसके आसपास ही होगी बिल्कुल लेकिन थोड़ी सी बदली हुई हो होगी उसका रीजन नंबर ऑफ फोर्डर राउंड ऑफ नहीं आए नंबर ऑफ ऑर्डर अगर 67 या राउंड ऑफ आते तो कॉस्ट मैच कर जाती हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी हाफ ऑफ आर ओ क्यू है हमारा वन फोर नाइन वन कैरिंग कॉस्ट है फोर्टी फाइव वन फोर नाइन वन मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव डिवाइड बाई टू ये आ गई हमारे पास थर्टी थ्री फाइव फोर्टी एट तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक पा, आस पास ही है थर्टी थ्री फाइव हंड्रेड थर्टी फोर थाउजेंड लेकिन वो चेंज क्यों हुई है वो इसमें चार पांच सौ रुपए का फर्क क्यों दिख रहा है क्योंकि सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो सेवन को हमने सिक्सटी एट कर दिया तो इस वजह से वो कॉस्ट हमारी बदल जाती है बाकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर आएंगी अगर नंबर ऑफ ऑर्डर राउंड ऑफ आए और ईओ हमारा राउंड ऑफ आए तो ऐसा कभी आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा पर कंसेप्चुअल उसके लिए क्लैरिटी के लिए तो ये हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट था ईओ क्यू यह यहां पर खत्म हो गया याद कैसे होगा सर समझ में तो पूरा आ गया अभी क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन बी क्यू वन आ जाइए बुक पर आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे आखिर हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये जो बी क्यू है ये सारे स्टडी मैट स्टडीमेट आरटीपीएम सारा कंटेंट कवर है इसमें और साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चन जिससे आपको ट्रेंड का आइडिया लग जाए बीक्यू वन फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू उससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे तो ईओ क्यू पूछ रहा है जन ऑफ मटेरियल पर एन पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम होगा टेन थाउजेंड किलोग्राम ए हो गया हमारे पास ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पचास रुपए हमारे पास कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल टू रुपीज है और स्टोरेज कॉस्ट एट परसेंट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है सर एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब बच्चों जो हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं हाफ ऑफ आर तो हम हमेशा एवरेज ही लेते हैं तो कई जगह पे लिखा हुआ है ऑफ एवरेज इन्वेंट्री कई जगह पर लाइन नहीं लिखी होगी हमारा हाँ जो फॉर्मूला है वो हमेशा हाफ ऑफ फारो क्यू ही रहेगा चाहे ये एवरेज इन्वेंट्री लिखा हो या नया लिखा हो हम हाफ ऑफ फारो क्यू ही लेंगे ठीक है तो अगर मैं कैरिंग कॉस्ट निकालू एक यूनिट की तो टू मल्टीप्लाई बाई एट परसेंट आपके पास कितना हो गया टू मल्टीप्लाई बाई एट परसेंट सिक्सटीन पैसे पर यूनिट हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई अब एक तो हमें UQ निकालना है दूसरा हमें नंबर ऑफ ऑर्डर सिंपल है सारा डेटा क्वेश्चन में दिया होता है मैं A और B में तोड़ रहा हूं इसको डिवाइड फॉर्मूला एग्जाम में जरूर लिखेंगे टू मल्टीप्लाई बाई टेन थाउजेंड किलोग्राम हमारे पास है और ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है हमारी पचास रुपए कैरिंग कॉस्ट हो गई दो रुपए का एट परसेंट यानी सिक्सटीन पैसे अंडर रूट तो हमारे पास हो गया ये टू मल्टीप्लाई बाई टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी डिस्टीन पैसे 2500 जो आपका है, उसको आप डब्बा बंद कर देंगे जिससे वो क्लियर नजर आएगा एग्जामिनर सीधे देख लेगा कि भाई वो मेन आंसर है एग्जामिनर को दूर से ही दिख जाता है वो टिक करके और आगे बढ़ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स दूसरा पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर है ए डिवाइड बाई आर ओ क्यूब यहां पर आरओ क्या है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट में आपको बता दू क्यू आरओ क्यू ही होता है बस ईओ क्यू वो आरओ होता है जो सबसे सस्ता हो आरओ का मतलब कोई भी ऑर्डर साइज जो कंपनी ने तय किया ईओ क्यू का मतलब वो ऑर्डर साइज जो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में टोटल में सबसे सस्ता बैठेगा तो ईओ क्यू और आरओ एक ही चीज है लेकिन जो ईओ क्यू है वो यूनिक वाला आरओ है आप जैसे यहां पर ट्वेंटी यूनिट है कंपनी चाहे तो आरओ क्यू फाइनल कर सकती है दो हजार ही तो एक बार में तीन हजार में लेकिन वो सबसे सस्ता आरो कौन सा है, कौन सा है वो पच्चीस सौ टोटल सबसे कम बैठेगा तो ईओ क्यू आरओ क्यू ही होता है कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सारे आर ओ क्यू सारे आरओ क्यू क्यू होते हैं आंसर इज नो कोई एक यूनिक आर ओ क्यू ही ईओ क्यू बनता है ओके क्या जो ईओ क्यू होता है वो खुद भी एक आरओ क्यू ही है यस ईओ क्यू अपने आप में आर क्यू ही है बस वो यूनिक आर क्यू है ओके okay. तो नंबर ऑफ ऑर्डर ए डिवाइड वाई आर क्यू इसकी जगह पे आप ए डिवाइड वाई यहां पर ईओ क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर जो आर क्यू है वो बेसिकली ईओ क्यू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स है ओके okay. तो पूरे साल में कितनी यूनिट आपको मंगवानी है टेन थाउजेंड किलोग्राम्स एक बार में कितनी यूनिट्स आप मंगवा रहे हो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोग्राम्स यहां पर यूनिट्स लिख दिया मैंने इसको किलोग्राम लिख सकते हैं वैसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और ये हमारे पास आ गया चार ऑर्डर हो गए नंबर ऑफ ऑर्डर फोर अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर राउंड ऑफ है अगर आप इस क्वेश्चन में निकाल कर देखोगे तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सेम आएगी मैं शॉर्ट में निकाल के दिखाता हूं आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई टेन थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी फोर फाइव ट्वेंटी तो ये हो गया दो सौ रुपये और हाफ ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी तो ये हो गया ट्वेल्व फिफ्टी मल्टीप्लाई पॉइंट टू हंड्रेड देखिए ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों मैच कर गए हाँ पर क्योंकि पर नंबर ऑफ ऑफ राउंड आ रहे हैं अच्छा अगर नंबर ऑफ ऑर्डर थ्री समथिंग होते तो हम उसे राउंड ऑफ करके फोर कर देते हैं ओके बी क्यू टू आ जाइए चलते हैं बहुत सिंपल है क्या सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या आप बेटा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत ही सिंपल है कॉस्टिंग बहुत ही आसान लड्डू एकदम एग्जाम एक में इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन की राइटिंग में प्रैक्टिस होनी चाहिए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कंप्यूट ईक्यू एंड टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है टोटल कॉस्ट के अंदर हमारी तीन कॉस्ट आती है सबसे पहली परचेज कॉस्ट क्या सामान कितने में परचेज किया प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगी प्लस कैरिंग कॉस्ट कितनी लगी तो क्वेश्चन कभी पूछेगा टोटल कॉस्ट निकालिए तो परचेज ऑर्डरिंग और कैरिंग तीनों जोड़ के दिखाने होते हैं तो कह रहा है एक तो ईओ क्यू निकालो दूसरा टोटल कॉस्ट बताओ तो पहले ईओ क्यू निकालेंगे ए और बी कर देंगे ए आपके पास ये तो पॉइंट ही है ए के अंदर वन ईओ क्यू और दूसरा टोटल कॉस्ट क्या क्या डिटेल दिए वो पढ़ते हैं एनुअल डिमांड फाइव थाउजेंड यूनिट है ओके जी ये हो गया ए एनुअल डिमांड आ गई इसमें यूनिट प्राइस बीस रुपए है ऑर्डर कॉस्ट सोलह रुपए सोलह रुपए एक ऑर्डर के स्टोरेज रेट इंटरेस्ट रेट ऑप्सीलेंस रेट ये तीनों के तीनों कैरिंग कॉस्ट को दिखाते हैं तो हम क्या करेंगे इन तीनों का रेट जोड़ देंगे तो ट्वेल्व और सिक्स एटीन और टू ट्वेंटी परसेंट हो गया हमारा कैरिंग कॉस्ट का रेट यूनिट कितने की खरीदोगे आप बीस रुपए की तो बीस रुपए मल्टीप्लाई वेट ट्वेंटी परसेंट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सी चार रुपए हमारे पास आ जाएगा पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर ए इसमें दो चीजें पूछी ईओ क्यू और टोटल कॉस्ट टू ए ओ डिवाइड बाय सी अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई एनुअल रिक्वायरमेंट 5,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट सिक्सटीन रुपीज कैरिंग कॉस्ट सीधे में ट्वेंटी परसेंट जोड़ रहा हूं ऑफ यूनिट का प्राइस है बीस रुपए चार हो गया टू मल्टीप्लाई फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई सिक्सटीन डिवाइड बाई फोर अंडर रूट टू हंड्रेड यूनिट्स ये हमारा ईओ क्यू आ गया ठीक है दूसरा इन्होंने इसी में पूछा है हमसे टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में हमें परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कॉस्ट तीनों चीजें निकाल कर दिखानी है ओके परचेज कॉस्ट कितनी यूनिट पूरे साल में आपको खरीदनी है फाइव थाउजेंड यूनिट खरीदनी है पूरे साल में ओके प्राइस कितना है बीस रुपए यह परचेज कॉस्ट आ गई वन लैक हो जाएगा यह प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो आपने लिख दिया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ठीक है फॉर्मुला की जरूरत है ए डिवाइड बाई आर ओ क्यू लेना फाइव थाउजेंड यूनिट है टू हंड्रेड पर ऑर्डर है 16 रुपीज। ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट आ गई कैरिंग हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी सी है चार रुपए सिक्सटीन पैसे तो पिछले क्वेश्चन में था ये हमारी कैरिंग कॉस्ट आ गई तो वन लेख परचेज कॉस्ट फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सिंग मल्टीप्लाई फोर डिवाइड बाई टू फोर हंड्रेड हमारी हो गई कैरिंग कॉस्ट तो टोटल तो कॉस्ट हो गई वन लैख एट हंड्रेड रुपीज ओके बहुत ही सिंपल बहुत ही ज्यादा आसान है क्वेश्चन <coughs> में एक पार्ट है पार्ट बी पार्ट ए कर लीजिए फिर पार्ट बी बताता हूं आपको Chapter बहुत ही सिंपल है बहुत ज्यादा आसान पार्ट बी हैं डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट अभी तो निकलवाई है आपने हैं डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ इनकरेक्ट प्राइस ऑफ ट्वेल्व पॉइंट एट जीरो पर जो हमारा प्राइस है वो है बीस रुपए कह रहे हैं अगर बीस रुपए की जगह ट्वेल्व पॉइंट एट जीरो लिया जाए तो टोटल की कॉस्ट क्या होगी अगर आपने प्राइस बदला तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगी आपका ईओ क्यू भी बदल जाएगा और टोटल कॉस्ट तो आपकी बदलनी ही बदलनी है तो अब हमें फिर से सब कुछ कैलकुलेट करना होगा लेकिन रिक्वायरमेंट में इन्होंने ईओ क्यू नहीं पूछा सिर्फ रिक्वायरमेंट में टोटल कॉस्ट पूछी है अब देखिए ऐसे में क्या करेंगे अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट जब भी दुबार से निकालेंगे तो लिख देंगे रिवाइट आपने एक बार ऊपर फॉर्मूला लिख दिया टोटल कॉस्ट का एक ही क्वेश्चन के अंदर दोबारा से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती तो आप एक क्वेश्चन के अंदर ही चल रहे हैं ये पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं एक जगह फॉर्मूला लिख दिया तो दूसरी बार नहीं लिखना तो आप सीधे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं सबसे पहले परचेज कॉस्ट फाइव थाउजेंड यूनिट और प्राइस बीस रुपए नहीं ट्वेल्व पॉइंट एट जीरो लेना है अब बची ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट वहां फसोगे फसोगे कैसे जब क्वेश्चन में प्राइस बदल गया तो कैरिंग कॉस्ट भी बदलेगी और ईओ भी बदलेगा तो यहां हमारा मेन आंसर आ जाएगा और अब क्यू जो दोबारा से निकालना है हमें रिवाइड वो वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा तो वर्किंग नोट कौन सी चीजें बनती हैं जो मेन आंसर में रिक्वायरमेंट में नहीं है लेकिन आंसर निकालते हुए हमें उन्हें कैलकुलेट करना ही पड़ जाता है तो EOQ2, है हमारे पास फाइव थाउजेंड ऑर्डरिंग ट्वेंटी परसेंट लेकिन अब बीस रुपए की नहीं ट्वेल एट जीरो की प्राइस बदल गया भी बदल जाएगी ट्वेल्व पॉइंट एट का ट्वेंटी परसेंट हो गया टू पॉइंट फाइव सिक्स टू मल्टीप्लाई फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई सिक्सटीन डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव सिक्स अंडर रूट अब हमारे पास डिवाइड यो क्यू आ रहा है 250 यूनिट्स यानी अब हम एक बार में 250 यूनिट्स बनाएंगे अच्छा जो वर्किंग नोट है उसे मैं डब्बा बंद नहीं करता वर्किंग नोट के नीचे बस मैं डैश डैश करके छोड़ देता हूं क्योंकि जो नंबर आपको मिलने हैं वो मेन आंसर के मिलने हैं अगर आप देखेंगे तो बीक्यू 2 का ए का मेन आंसर 200 यूनिट और 1800 दो चीजें पूछी थी वो हमने निकाल दिया अब बी में टोटल कॉस्ट पूछी अब निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट 5000 डिवाइडेड बाय 250 यूनिट्स एक बार में मंगवाएंगे अब हम कैरिंग कॉस्ट हाफो फारो क्यू यानी टू फिफ्टी और एक यूनिट पर अब टू पॉइंट फाइव सिक्स रुपए कैरिंग कॉस्ट जाएगी बताइए गलती होने के चांस है या नहीं गलती क्यों होने के चांस है ईओ क्यू भी बदल रहा है यहां पर यहां प्राइस बदला यहां बदला ये यह यूनिट्स बदल गई दोनों जगह पर और ये 2.56 हो गया फोर की जगह पर इतनी जगह पे देखिए चेंजेज हुए हैं जितने भी मैंने टिक लगाए हैं तो क्वेश्चन ध्यान से करने की बहुत जरूरत है आपका कंसेप्ट क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे राइटिंग तो एग्जाम में गलती हो जाएगी तो दो चीजों की जरूरत है एक कंसेप्ट क्लैरिटी वो देना मेरा काम है दूसरा राइटिंग क्लास में मैं करवाऊंगा साथ में होमवर्क दूंगा आपको वो करते रहना है मेरे साथ आप करते रहो बड़े मजे से काम हो जाएगा फिर आप नहीं अटकोगे मैं बताता रहूंगा कहां अटकते हैं कहां गलती होती है कहां मिस्टेक होती है सब मैंशन करूंगा आपको तो हमारे पास फाइव थाउजेंड यूनिट मल्टीप्लाई विट सिक्सटी फोर थाउजेंड तो हो गया ही हमारी मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट फिर उसे अपने घर मंगवाना है फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई टू फिफ्टी इंटू घर फोर फोर वन सिक्स लग गए उसे घर मंगवाने यानी के खर्चे, फिर उसको स्टोर में रखना है उसके लग गए हमारे पास टू फिफ्टी इंटू टू पॉइंट फाइव सिक्स ये मैंने गलत कर दिया फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई टू फिफ्टी मल्टीप्लाई विद्सटीन थ्री ट्वेंटी है थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी लग गए ऑर्डर पे कॉस्ट और टू फिफ्टी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट फाइव सिक्स थ्री ट्वेंटी लग गई इसको कैरी करने का खर्चा तो हमारी जो कॉस्ट बनी वो बनी सिक्सटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी टोटल कॉस्ट बीक्यू टू खत्म बीक्यू टू के बाद में हमारे पास है बीक्यू थ्री क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहेगी क्लास में भर, भर कर क्वेश्चन होंगे उसके लिए आप लोग रहें बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चिंत ठीक है बीक्यू थ्री हम्म 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 बीक्यू थ्री एनुअल कंजम्पन ऑफ रॉ मेटेरियल टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कंपनी वॉन्ट्स टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक देखो अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना दिए जाए तो तो एनुअल कंजम्पशन टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड होनी है कंजम्पशन का मतलब क्या था सप्लायर से पहले स्टोर में आता है इसको हम बोलते हैं परचेज कितना किया फिर स्टोर से फैक्ट्री में जाता है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन तो यहां पर कंजम्पशन है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर क्वेश्चन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना दे तो हम कंजम्पशन को ही परचेज मान लेते हैं कि जितना कंज्यूम होगा उतना ही खरीदना पड़ेगा लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे देता है तो हमें फिर परचेज परचेज निकालनी पड़ेगी purchase कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं अब सबसे पहली चीज ईओ क्यू में जो ए होता है उस ए का मतलब क्या था तो ईओ क्यू के अंदर जो आपके पास ए है उस ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटीरियल क्वांटिटी टू बी परचेज तो हमें परचेज क्वांटिटी निकालनी है जितना सामान आपको खरीदना होगा उसी के, बेसिस पे तो करोगे के इतना करना पड़ता है आखिर हमें परचेज करना कितना है तो इस क्वेश्चन ने क्या करा बात को घुमा दिया कैसे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देखे कोई दिक्कत नहीं है इसे हम देख लेंगे तो यहां पर ए टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां पर ए नहीं है अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होते तो ए बन जाता जितनी कंजम्पशन उतनी परचे ठीक है इसके बाद में कह रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 250 ओ आ गया परचेज प्राइस 200 है कैरिंग कॉस्ट 10% है तो सी हमारे पास 20 आ गया सी में कोई दिक्कत नहीं ओ में कोई दिक्कत नहीं ए थोड़ा सा घुमा दिया है कह रहे हैं डिटरमाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू आपको निकालना है ओके जी बीक्यू 3 ओ क्यू इक्व टू टू ए डिवाइड बाई सी अंडर रूट यहां पर हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी अब हमें जो निकालना है ए यानी एनुअल परचेज एनुअल परचेज आप बताओ कंजम्पशन कैसे आती है कंजम्पशन आती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो आपके पास कंजम्पशन आ जाएगी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कंजम्पशन। अब आप बताइए कंजम्पशन तो दी हुई है, और मुझे परचेज निकालनी है तो कैसे बड़ा सिंपल, ओपनिंग स्टॉक सामने जाकर माइनस का हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक सामने जाकर प्लस का हो जाएगा तो आपके पास परचेज जा आ जाएगी तो परचेज इक्व टू कंजम्पन जो भी एनुअल है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कंजम्पशन कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है हमें फाइव हंड्रेड यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है क्वेश्चन ने वन थाउजेंड यूनिट्स तो हमारे पास आ गया जी टेन थाउजेंड यूनिट्स तो आपको कितनी यूनिट्स परचेज करनी है टेन थाउजेंड ओके ये तो बच्चों फाउंडेशन से आता है वैसे के परचेज कंजम्पशन की क्या फॉर्मूले थे पर फिर भी मैं आपको चीजें बताता चलूंगा जिससे कोई गड़बड़ ना हो तो टू मल्टीप्लाई बाई टेन थाउजेंड यूनिट पूरे साल में खरीदनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर है हमें टू फिफ्टी दी हुई है कैरिंग कॉस्ट क्लियर है टेन परसेंट है और प्राइस है टू हंड्रेड तो बीस हो गई पर यूनिट तो टू मल्टीप्लाई बाई टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी अंडर रूट फाइव हंड्रेड यूनिट्स हमारे पास यू क्यू आ गया सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बेटा पांच पांच नंबर का क्वेश्चन है ये यही आएंगे एग्जाम में बहुत लड्डू गोपाल चीजें आती हैं एग्जाम में ओके आ जाइए बीक्यू फोर होमवर्क में है आपका लड्डू क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग प्रोडक्ट दिए गए हैं एनुअल डिमांड यानी ए दिया हुआ है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर बैग यानी सी दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ दिया हुआ है तो ए भी है ओ भी है सी भी है दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं दोनों का ईओ क्यू निकालना है फिर दोनों के ईओ क्यू पर एनुअल रेलिवेंट ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो दोनों की ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कर दिखानी है। और फॉर द ईओ क्यू कंप्यूट नंबर ऑफ डिलीवरी यानी नंबर ऑफ ऑर्डर बताने हैं तो दोनों का ईओ क्यू निकालना है दोनों की ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकाल के दिखानी है और दोनों के नंबर ऑफ ऑर्डर सिखाने होमवर्क में बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल आसान बी क्यू फाइव आ जाइए अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट इन सिक्स इंस्टॉलमेंट तो अनिल एंड कंपनी रिक्वायरमेंट है इनकी थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट ये हो गया ए। में खरीदते हैं यानी इनके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं तो ये बार में अपनी सारी रिक्वायरमेंट को परचेज कर रहे हैं ओके अब एक बार में आप बता सकते हैं कितना खरीद रहे हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट पूरे साल में चाहिए और छह ऑर्डर दे रहे हैं इसका मतलब एक बार में सिक्स थाउजेंड यूनिट खरीद रहे होंगे मैंने कैसे निकाला बड़ा सिंपल है थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट खरीद रहे हो इन सिक्स एक ऑर्डर में कितनी खरीद रहे हो गर्टीड्स आप खरीद रहे हो गे. तो सिक्स थाउजेंड मंगवाई पहले ऑर्डर में दूसरे में सिक्स तीसरे में सिक्स ऐसे थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट पूरे साल में आप खरीद लेते हो छह हजार यानी आप एक बार में खरीद रहे हो तो आपका जो आरओ क्यू है वो सिक्स थाउजेंड है इस क्वेश्चन में ओके ईच यूनिट स्ट रुपन एक यूनिट एक रुपए की है यहां पर एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट जो ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ओ है वो 25 है इनवेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ यूनिट वैल्यू तो यूनिट है एक रुपए की तो कैरिंग कॉस्ट हो गई ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन यानी आपकी कैरिंग कॉस्ट ट्वेंटी पैसे पर यूनिट पर एनम हो गई एक रुपए की यूनिट है बीस परसेंट उसका बीस पैसे हो गए फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी तो आपको एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी की टोटल कॉस्ट बतानी है कैलकुलेट हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाई इकोमिक्टिटी अगर आप ईओ क्यू फॉलो करें तो कितने पैसे बचा सकते हैं आप ईओ क्यू फॉलो करें तो कितने पैसे बचा सकते हैं इसका मतलब क्या हम अभी ईओ क्यू फॉलो नहीं कर रहे इसका मतलब ये क्वेश्चन ईओ क्यू फॉलो नहीं कर रहा देखिए अगर आप ईओ क्यू फॉलो करते हैं तो आपका खर्चा सबसे कम बैठेगा ये कह रहे हैं कि आप ईओ क्यू फॉलो करके कितना पैसा बचा सकते हैं इसका मतलब ये ईओ क्यू फॉलो नहीं कर रहे देखो इन्होंने आपसे ईओ क्यू निकलवाया नहीं है इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम छह इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अपना पूरा सामान खरीद रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि ये जो छह ऑर्डर में सामान खरीद रहे हैं यानी एक बार में छह हजार यूनिट खरीद रहे हैं क्या वो सिक्स थाउजेंड यूनिट इनका ईओ क्यू है या नहीं मैं ईओ क्यू निकाल के आपको बताता हूं अंडर रूट टू एल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 36000 सिक्स थाउजेंड कॉस्ट ट्वेंटी फाइव कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20 ट्वेंटी पैसे हो गई एक रुपए का ट्वेंटी परसेंट निकाल के देखिए कितना है थर्टी सिक्स थाउजेंड इंटू टू इंटू टू फाइव टू अंडर रूट थ्री थाउजेंड ईओ क्यू है थ्री थाउजेंड और ये थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट को खरीद रहे हैं छह ऑर्डर में में यानी ये एक बार यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़े डिफरेंट सा क्वेश्चन होता है है बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या करेगा क्वेश्चन पहले आपको खुद बताएगा कि हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं अच्छा फिर आपसे कहेगा अच्छा अगर हम ईओ क्यू फॉलो करें तो हम कितने पैसे बचा सकते हैं बड़ा ही सिंपल सा होता है बहुत आसान देखेगा बी क्यू फाइव बी क्यू फाइव में मैं सबसे पहले आपको निकलवाऊंगा टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी टोटल कॉस्ट कैसा है ये बताइए परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट ठीक है जी परचेज कॉस्ट में आपकी यूनिट्स कितनी है थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट एक यूनिट कितने रुपए में खरीद दो आप एक रुपए में प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आप ए डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ भी ले सकते हो और नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाई ओ भी ले सकते हो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स खुद दिए हुए हैं छह ऑर्डर में इसको परचेज कर रहे हैं तो सिक्स ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई एक ऑर्डर का खर्चा है है ठीक ए डिवाइड से भी नंबर ऑफ ही आते हैं प्लस कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ आरओ क्यू हमें इनका आर ओ क्यू नहीं पता वैसे तो हमने निकाल लिया है और ट्वेंटी पैसे दे रहे हैं कि सिक्स थाउजेंड होगा पर मेरे को यहां पर लिख के दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में आर ओ क्यू अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हमारा आर ओ क्यू कितना आ रहा है बड़ा सिंपल है बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर हमें पता है छ हैं एनुअल रिक्वायरमेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड है डिवाइड बाई आर ओ क्यूब इक्व टू सिक्स ऑर्डर ने खुद दिया हुआ है कि सिक्स ऑर्डर में हम सामान मंगवा रहे हैं अब क्यू सामने चला जाएगा सिक्स नीचे आ जाएगा 6 इसका मतलब कंपनी के को कर रही है तो कंपनी एक बार में छह हजार मंगवाती है फिर खत्म हो जाएगी फिर फिर खत्म हो जाएंगी फिर छह हजार तो ये आ गया आपके पास सिक्स थाउजेंड ओके तो हमारे पास थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स ऑर्डर पच्चीस रुपए से एक सौ पचास सिक्स उजेंड डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू छः सौ रुपए तो थर्टी सिक्स थाउजेंड तो हो गई हमारी परचेज कॉस्ट प्लस वन फिफ्टी हमारी हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस सिक्स हंड्रेड हो गई हमारी कैरिंग कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन फिफ्टी रुपीज ओके okay. तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर हमारी कॉस्ट थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन फिफ्टी आ रही है एक सौ पचास ऑर्डरिंग कॉस्ट के जा रहे हैं और सिक्स हंड्रेड हमारे कैरिंग कॉस्ट के जा रहे हैं ठीक है ये हमारे को क्लियर है अब हमें देखना है कि अगर हम ईओ क्यू फॉलो करें तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी फिर दोनों का कंपेरिजन बताएंगे टोटल कॉस्ट अंडर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉलिसी EOQ क्यू पॉलिसी फॉलो करके फायदा होता है हमेशा देखिएगा परचेज कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट परचेज कॉस्ट आ गई आपकी थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट मल्टीप्लाई बाई वन यूनिट तो थर्टी सिक्स थाउजेंड ही खरीदनी है अब ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के लिए हमें ईओ क्यू निकालना पड़ेगा यहां पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा और यहां वर्किंग नोट में हम लोग ईओ क्यू टू एनुअल रिक्वायरमेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव कैरिंग कॉस्ट है ट्वेंटी पैसे थ्री थाउजेंड आया था टू मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री थाउजेंट यूनिट हमारा इओ क्यू आ गया अब ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइए ए डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई िंगाइव कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी अगर थ्री थाउजेंड यूनिट मंगवाते तो मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी पैसे तो यहां पर खर्चा थर्टी सिक्स थाउजेंड परचेज करने का खर्चा यूनिट उतनी खरीदनी होती है उसमें फर्क नहीं पड़ता ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई आपकी डिवाइड थ्री हंड्रेड रुपीज लगेंगे तो बारह ऑर्डर देने पड़ेंगे आपको तीन सौ रुपए लगेंगे कैरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू कैरिंग कॉस्ट के भी तीन सौ रुपए लगेंगे अब आपका खर्चा आएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में चलते हैं तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आपका खर्चा आ रहा है थर्टी सिक्स सेवन फिफ्टी जब आप छह हजार यूनिट का ऑर्डर एक बार में दे रहे हैं छह इंस्टॉलमेंट में सामान मंगवा रहे हैं लेकिन यही आप अगर ईओ क्यू पॉलिसी को फॉलो करें एक बार में तीन हजार यूनिट मंगवाएं तो आपका खर्चा थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आएगा कितने रुपए का फर्क पड़ेगा थर्टी सिक्स सेवन फिफ्टी की जगह थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड लगेंगे एक सौ पचास रुपए आपके कम लगेंगे सेविंग इन कॉस्ट बाई फॉलोइंग ई क्यू इक्व टू थ्री सिक्स सेवन फाइव जीरो माइनस थ्री सिक्स सिक्स हंड्रेड रुपीज वन फिफ्टी तो एक सौ पचास रुपए आप यहां पर सेव कर सकते हैं ठीक है नोट कर लीजिए इसको अब आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जैसे हमने कंपेरिजन किया दोनों में ईओ क्यू में और किसी अदर लेवल पर तो आपको देखने में आएगा कि परचेज कॉस्ट दोनों जगह पर सेम थी परचेज कॉस्ट यहां भी थर्टी सिक्स थाउजेंड थी यहां भी थर्टी सिक्स थाउजेंड थी तो फर्क किसका पड़ रहा था सिर्फ यहां ऑर्डरिंग और कैरिंग थी सेवन फिफ्टी यहां थी सिक्स हंड्रेड वही सेवन फिफ्टी और सिक्स हंड्रेड का फर्क डेढ़ सौ रुपए क्या करते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं या ऑथर्स क्या बोलते हैं कि जब का किसी और क्यू से किया जाए तो परचेज अगर सेम है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है यानी अगर हम चाहें तो यहां पर परचेज कॉस्ट को ना दिखाएं कंपेरिजन के लिए आंसर तब भी हमारा सम्... सेम रहेगा तो हम फालतू वर्किंग क्यों करें तो स्टडी मॉड्यूल भी यही करता है अगर कभी भी आपको यह दिखता है कि दो अलग अलग इओ क्यू और किसी और, में करना है। और सेम है। खरीदनी 36 यहां भी थर्टी सिक्स जोड़ू उसका कोई फायदा नहीं है दोनों जगह थर्टी सिक्स है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो स्टडी इस मॉड्यूल इसके लिए क्या करता है देखिए स्टडी मॉड्यूल कहता है कि देखो भैया हम ऑर्डरिंग और कैरिंग जोड़ लेते हैं सेवन फिफ्टी फिर ई का ऑर्डरिंग और कैरिंग जोड़ लेते हैं सिक्स हंड्रेड हम सिर्फ इन्हीं दोनों का कंपैरिजन दिखा देंगे 150 आ गया वही हमारा फायदा होगा तो आपको परचेज कॉस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है तो कभी भी कंपैरिजन किया जाए और परचेज कॉस्ट सेम हो तो आप कंपैरिजन में परचेज कॉस्ट को ये स्किप कर सकते हैं तो सर अगर हम ऐसे करके आए तो क्या नंबर कटेंगे थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड और थर्टी सिक्स सेवन फिफ्टी नंबर इस पर भी पूरे मिलेंगे बस आपकी थोड़ी सी वर्किंग बढ़ जाएगी तो कंपेरिजन के टाइम पर आप परचेज कॉस्ट को स्किप कर सकते हैं यहां पे मैं नोट भी लिखवा देता हूं नोट इफ परचेज कॉस्ट इज सेम अंडर टू डिफरेंट ऑप्शन देन वी कैन स्किप इट फॉर कंपेरिजन तो हम कंपेरिजन के लिए परचेज कॉस्ट को स्किप कर सकते हैं अच्छा परचेज कॉस्ट ही अलग होती एक जगह पर थर्टी सिक्स थाउजेंड होती है एक जगह पर थर्टी फाइव थाउजेंड होती तो स्किप नहीं कर सकते ओके इसे नोट कर लीजिए आप लोग देखिए क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लैरिटी आपको आती जाएगी बहुत सिंपल है बहुत ही आसान है एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे जी लिमिटेड प्रोड्यूसिस अ प्रोडक्ट विच हैज अंथली डिमांड ऑफ फोर थाउजेंड यूनिट मंथली डिमांड एक महीने की डिमांड फोर थाउजेंड है तो पूरे साल का बता सकते हो आप कितना होगा फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई आप हो गया ट्वेल्व फोर्टी एट थाउजेंड यूनिट अब यहां पर एक नया सीनेरियो शुरू होने वाला है क्वेश्चन में यह देखिए क्या करें जी लिमिटेड प्रोड्यूसिस प्रोडक्ट यह कह रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है जिसकी मंथली डिमांड इतनी है पूरे साल की डिमांड आ गई तो फोर्टी एट थाउजेंड जो डिमांड है वो फिनिश गुड्स की है अब जैसे मान लीजिए आप पंखा बना रहे हो आपकी डिमांड पंखे की तीन पंखड़ियों का पंखा है तीन विंग्स है एक पंखे में ठीक है तो अब मुझे बताइए फोर्टी एट थाउजेंड अगर आपको फैंस बनाने हैं तीन विंग्स हैं तो कितना मेटेरियल खरीदना पड़ेगा तो हर पंखे में तीन विंग्स लगेंगे तो हमें रो मेटेरियल हर पंखे में तीन विंग्स लगेंगे तो हमें रॉ मेटेरियल उससे तीन गुना ज्यादा खरीदना पड़ेगा तो अब क्वेश्चन आपके साथ क्या खेल खेलना शुरू करेगा वो आपको ये नहीं बताएगा रॉ मेटेरियल कितना चाहिए बल्कि वो आपको बताएगा फिनिश्ड गुड्स इतना है फिनिश्ड गुड्स से रॉ मेटेरियल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी मुझे यह बताइए आप खरीदने के वाले हैं आप फिनिश्ड गुड्स खरीदने वाले हैं या रो मटेरियल तो हमेशा ध्यान रखिए हम तो रो मटेरियल खरीदने वाले हैं तो फोर्टी एट थाउजेंड गुड्स के बारे में दे दिया रॉ मटेरियल ओके विच इज फिनिश्ड प्रोडक्ट वन यूनिट ऑफ कॉम्पोनेट इज रिक्वायर्ड तो हर फिनिश्ड गुड्स के लिए एक ही यूनिट चाहिए तो हर फिनिश गुड्स के लिए एक यूनिट रो मेटेरियल की चाहिए तो रो मेटेरियल भी फोर्टी एट थाउजेंड ही आपको लगेगा लेकिन यहीं पर यह कह देता, टू यूनिट्स। चाहिए एक फिनिश रूड्स में तो हमारा फोर्टी एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू यूनिट नाइनटी सिक्स थाउजेंड रो मेटेरियल खरीदना पड़ता अगर कहते तीन यूनिट लगेंगी तो हमारे को फोर्टी एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री इतना रॉ मेटेरियल परचेज करना पड़ जाएगा तो यहां पर वन यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं आई जितना फिनिश रूड्स है उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा एक यूनिट से फिनिश रूट बन जाता है ओके द ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट इज पर ऑर्डर ओ दे दिया एंड होल्डिंग बीस रुपए का रॉ मटेरियल है टेन परसेंट हो गया तो कैरिंग कॉस्ट हो गई दो रुपए यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले एक चीज निकालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कि चलो भाई एक चीज निकालते हैं बीक्यू सिक्स सबसे पहली चीज इन्होंने बोली है ईओ क्यू निकालो ओके जी क्वेश्चन सामने आ जाइए टू ए एल्टीप्लाई बाई फोर्टी एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में दिस दिस वन ट्वेंटी रुपीज कैरिंग कॉस्ट है टेन परसेंट और कॉम्पोनेंट है ट्वेंटी रुपीज का ठीक है मल्टीप्लाई फोर्टी एट थाउजेंड मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू रुपीज़ अंडर रूड ट्वेंटी फोर हंड्रेड यूनिट्स आपकी ईओ क्यू आया डन यहां पर मैं वर्किंग नोट डाल रहा हूं ए कैसे निकाला है हमने फोर थाउजेंड यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स एक महीने में चाहिए तो ट्वेल्व मंथस में हम कितनी बनाएंगे फोर्टी एट थाउजेंड रॉ मटेरियल कितना लगेगा वन यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगेगी तो फोर्टी एट थाउजेंड यूनिट ही हमें रॉ मटेरियल की भी चाहिए ए का मतलब रॉ मटेरियल की पूरे साल में कितनी यूनिट आपको चाहिए ओके नोट पलिए से ठीक है आ जाओ सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट इफ द मिनिमम लोड साइज टू बी सप्लाइड इज फोर थाउजेंड यूनिट कई बार क्या होते हैं सप्लायर कह देते हैं कि भाई कम से कम इतनी यूनिट उठानी पड़ेगी इसको कहते हैं मिनिमम क्वांटिटी जो प्लेस होगी तो अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एमओ क्यू बोलते हैं एमओ क्यू मार्केट में टर्म चलता है कि एमओ क्यू इतना चाहिए तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी तो कह रहे हैं कि कम से कम चार हजार यूनिट तो आपको एक बार में लेनी पड़ेगी अब हमारे हिसाब से ईओ क्यू कितना है ट्वेंटी फोर हंड्रेड सामने वाला कह रहा है कम से कम चार हजार यूनिट आपको लेनी पड़ेगी तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कॉस्ट ज्यादा लगने वाली है कह रहे हैं व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू इनकर अब कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी अब सबसे पहले आप ये बताइए क्या परचेज के अंदर कोई चेंज आ रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम इओ के ऊपर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे फिर हम निकालेंगे अगर हम फोर थाउजेंड ले, यूनिट लेते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी दोनों को कंपेयर कर लेंगे क्या परचेज जोड़नी यहां पर जरूर रही है परचेज जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परचेज दोनों जगह सेम रहेगी पूरे साल में फोर्टी खरीदेंगे बीस रुपए से तो परचेज कॉस्ट आप चार चार हजार यूनिट करके मंगवाओ या आप ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हंड्रेड करके मंगवाओ परचेज कॉस्ट अल्टीमेटली उतनी ही रहने वाली है पॉइंट नंबर बी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट तो एक तरीका तो ये रहता है कॉस्ट निकालते हुए कि हम इसका क्या करें नॉर्मली लिखकर निकालने के भाई इसमें ordering और carrying इतनी है और दूसरा स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं तो मैं आपको स्टेटमेंट से सिखा रहा हूं कि स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं स्टेटमेंट में सिंपली हमें क्या करना होता है आप थोड़े बड़े बड़े कॉलम्स लेंगे जिससे उसमें कैलकुलेशन दिखा दें पर्टिकुलर्स यहां पर हम ले लेंगे ईओ क्यूब ट्वेंटी फोर हंड्रेड यूनिट और यहां पर हम ले लेंगे मिनिमम जो आरओ क्यू उन्होंने दिया है फोर थाउजेंड यूनिट्स का ऑर्डर दो भैया कम से कम ठीक है भाई फोर थाउजेंड पर देख लेते हैं कंपेरिजन परचेज कॉस्ट के करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परचेज कॉस्ट यहां पर भी फोर्टी एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई बी रुपए और यहां भी इतनी ही आएगी पूरे साल में क्वांटिटी उतनी ही खरीदनी है यह बात ध्यान रखिए क्वांटिटी नहीं बदलनी है बस क्वेश्चन यह है कि एक बार में कितनी मंगवाए तो एक कह रहा है ट्वेंटी फोर हंड्रेड करके मंगवाओ जब खत्म हो जाए फिर ट्वेंटी फोर हंड्रेड फिर ट्वेंटी फोर हंड्रेड दूसरा कह रहा है हर बार चार चार हजार मंगवा लो ठीक है डिवाइडेड बाई आर ओ क्यू ट्वेंटी फोर हंड्रेड और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार की क्वेश्चन में दी है वन ट्वेंटी तो यहां पर फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई वन ट्वेंटी अब आपको क्या करना है एग्जाम में आपको एग्जाम में कैलकुलेटर के ऊपर ही चेक कर लेना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर राउंड ऑफ है या नहीं तो देखो फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर हंड्रेड नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए ट्वेंटी तो ठीक है ट्वेंटी ऑर्डर राउंड ऑफ है कुछ करने की जरूरत नहीं है एक ऑर्डर के एक सौ बीस रुपए तो ये हो गया जी ट्वेंटी फोर हंड्रेड हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट ठीक है अब दूसरे वाले में फोर्टीट नंबर ऑफ ही आ रहे हैं, 12. तो round आ रहे रहे हैं हैं तो 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 कुछ लिखने की जरूरत है है अगर होता तो फिर मैं मैं कहता कि है, यानि कि मैं 13 orders लूंगा। लेकिन यहां तो राउंड ऑफ ट्वेल्व आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो राउंड ऑफ के आते हैं पर आपको इसका ध्यान रखना होगा कि राउंड ऑफ दिया है या नहीं दिया ये लग गया वन फोर फोर जीरो अब एनुअल कैरिंग कॉस्ट एनुअल कैरिंग कॉस्ट मेरे पास आ गई हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी हाफ ऑफ आर ओ क्यू कितना है इसका ट्वेंटी फोर हंड्रेड और कैरिंग कॉस्ट कितनी थी बीस रुपए का टेन परसेंट दो रुपए हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई टू ये इन दोनों की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी यहां पर इसकी आ गई ट्वेंटी फोर हंड्रेड और इसकी आ गई फोर थाउजेंड ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों की जोड़ लीजिए कि टोटल कितना आया तो इसका टोटल आ रहा है फोर्टी एट हंड्रेड और इसका टोटल भाई का आ रहा है फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी तो अगर हम ई के ऊपर ऑर्डर दें तो हमारी परचेज कॉस्ट को हटाकर क्योंकि अगर परचेज कॉस्ट में लेता भी तो यहां पर फोर्टी एट मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी होता है यहां पर भी फोर्टी एट मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी होता तो जब सेम है तो उसे कंपेरिजन के लिए लेने की जरूरत ही नहीं है परचेज कॉस्ट तब ली जाती है जन के अंदर अगर देखो क्वेश्चन कह दे कि टोटल कॉस्ट कॉस्ट निकालो तो तो आपको परचेज लेनी ही होगी लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है है कि भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट बताओ कितनी कितनी लग रही है, या सेविंग हो सकती है वो बताओ यो क्यों लगाकर तो अगर वहां परचेज कॉस्ट सेम है तो उसे लेने की जरूरत नहीं है कम्पेरिजन के लिए लेंगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे नहीं लेंगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे क्योंकि दोनों जगह परचेज कॉस्ट सेम होगी तो यहां पर टोटल हमारा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का अगर हम निकाल लें जैसे मान लो ये ए ये बी और ये टोटल हो गया ए प्लस बी तो एक का फोर्टी एट हंड्रेड आ रहा है एक का फाइव फोर फाइव फोर जीरो हमारे हिसाब से ट्वेंटी फोर हंड्रेड यूनिट मंगवानी चाहिए लेकिन अगर आप फोर थाउजेंड यूनिट हमसे मंगवाओगे तो कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो हम यहां पर लिख देंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट तो हमारी फाइव फोर फोर जीरो माइनस फोर्टी एट हंड्रेड हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट सिक्स हंड्रेड फोर्टी रुपीज लगेगी सर क्या एग्जाम में स्टेटमेंट बनाना जरूरी है ना ना सिखा रहा हूं कि स्टेटमेंट भी बना के कर सकते हो वर्णा लिख के कर लो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट ईओ क्यू ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट आरओ क्यू और दोनों का कंपेरिजन करके दिखा दो जैसे अभी मैं बुक के अंदर दिखाता हूं आपको बुक के अंदर सोल्यूशन कैसे कराया हमने इसका बुक के अंदर इसका सोल्यूशन हमने करा है ऑर्डरिंग एंड कैरिंग एट ट्वेंटी फोर हंड्रेड दोनों की निकाली फोर्टी एट हंड्रेड फिर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग फोर थाउजेंड पर दोनों की निकाली फाइव फोर फाइव जीरो फिर दोनों का डिफरेंस दिखा दिया तो स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हो वैसे ही जैसे आपको कंफर्टेबल लगे दोनों आने चाहिए मैं तो दोनों सिखाता चलूंगा ना इसके बाद में क्वेश्चन आपसे क्या करता है क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू ऐसा क्वेश्चन कब करता है जब क्वेश्चन आपको दो आरओ क्यू दे देगा तो वो आपसे कहेगा मिनिमम कैरिंग कॉस्ट या मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ तो बच्चा क्या कर सकता है बच्चा कर सकता है कि एकदम से क्या बोले बच्चा सोचे कि मिनिमम कैरिंग या मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ईओ क्यू पर आती है ऐसी गलती मत करना ईओ क्यू पर ना तो कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आती है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट तो तब आएगी जब आपका ऑर्डर साइज बहुत छोटा हो जितना छोटा ऑर्डर साइज होगा कैरिंग कॉस्ट उतनी कम होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट तब मिनिमम आएगी जब आपका ऑर्डर बहुत बड़ा हो जितना बड़ा ऑर्डर साइज होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी कम आएगी ईओ क्यू ना कैरिंग कॉस्ट को कम करता है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करता है बल्कि वो उन दोनों के टोटल को सबसे कम कर देता है तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इन्होंने पूछे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई कैरिंग कॉस्ट किस पर कम है दो लेवल आपको दे दिए गए हैं आपने क्वेश्चन करा हुआ है सामने देख लो ये दी हुई है कैरिंग कॉस्ट आपको इसमें देख लो किसकी कम है जरूरी नहीं है की कम हो दूसरे की भी कम हो सकती है तो यहां पर ईओ क्यू पर है ट्वेंटी फोर हंड्रेड और फोर थाउजेंड तो ईओ क्यू पर आपकी कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आ रही है तो हम लिख देंगे मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड एट ईओ क्यू इसी की जगह अगर पूछ लेता मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ तो देखो क्या होता तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां ट्वेंटी फोर हंड्रेड है और यहां वन फोर फोर जीरो तो यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है तो अगर मिनिमम ऑर्डरिंग पूछता तो हम कहते हैं चार हजार यूनिट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आ रही है तो क्वेश्चन आपसे सी पॉइंट पूछता है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट तो मिनिमम तो होने को जीरो भी हो सकती है तो जो लेवल्स आपको दिए गए हैं उन दोनों में बतानी होती है कि इन दोनों लेवल्स में किसकी कम है मिनिमम कैरिंग कॉस्ट एज रुपीज ट्वेंटी फोर हंड्रेड एट ई ओ क्यू लेवल अच्छा मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछता तो क्या लिखते वन फोर फोर जीरो कम थी तो वन फोर फोर जीरो पर हम मेंशन करते मैं फोर थाउजेंड पर आएगी तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये बीक्यू सिक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिस्काउंट वाले देखो जो क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रहा हूं आप मान के चलो इनमें से ही एक एग्जाम में आ जाएगा स्टॉक लेवल्स जो चल रहा है स्टॉक लेवल के दो पार्ट हैं एक EO, Q, o, Q, और दूसरा अदर स्टॉक लेवल इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आके धप्पा देने वाला है यह बिल्कुल पक्की बात है बीक्यू सेवन डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है आराम से देखेंगे क्या कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बड़े क्वेश्चन होता है ये बीक्यू सेवन अंपनी अ स्पेशल प्रोडक्ट कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट बना रही है रिक्वायर्स अ कॉम्पोनेंट एल्फा जिसके लिए एल्फा की जरूरत पड़ती है तो एल्फा रॉ मेटेरियल है फिनिश्ड वुड्स बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो क्या होता है बेसिकली रॉ मेटेरियल रॉ मेटेरियल से ही तो फिनिश वुड्स बनता है अच्छा द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर कलेक्टेड फॉर द ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एनुअल डिमांड ऑफ एल्फा एट थाउजेंड यूनिट तो एनुअल बता दिया एट थाउजेंड यूनिट चाहिए कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर टू हंड्रेड ऑर्डरिंग कॉस्ट टू हंड्रेड आ गई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ है कैरिंग कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट ओके यहीं तक रुकेंगे आगे की ये वाली लाइन अभी नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो ईओ क्यू तो निकाल दोगे चुटकियों में यह तो आता है निकालना इसमें तो एक्सपर्ट हो गए हैं बच्चे अब बच्चों के लिए ईओ क्यू तो लड्डू बन गया है ओ बाई सी अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई एट थाउजेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है भैया टू हंड्रेड और कैरिंग कॉस्ट है ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर हंड्रेड अरे सब कॉस्टिंग इतनी हल्की है ऐसा कभी सोचा नहीं था दोस्तों ने तो बताया था कॉस्टिंग बहुत भारी है हमें तो बहुत आसान लग रही है तो हमें ही आसान लग रही है है ही आसान बेटा है ही आसान ये सब्जेक्ट ही आसान है बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसका बस आप ये देखो शुरू का एक घंटा हमने सिर्फ कंसेप्ट पे लगाया है और ये फास्ट ट्रैक के अंदर सिचुएशन है रेगुलर बैच में तो पूरी एक क्लास ही चली जाती है इस पर उसमें और थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेनेशन रहती है तो आप ये देखिए कि एक घंटा हमने कंसेप्ट के ऊपर लगा दिया उसके बाद क्वेश्चन कैसे चुटकियों में बन रहे हैं क्या भाई ये चीजें ये चीजें और अभी तक आपको ऐसा नहीं हुआ है कि क्लास खत्म हो गई है आप पढ़ लो जब आप अगली क्लास में इसको पढ़ के आओगे तो तो सब कुछ आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा मान लो कुछ अभी ऐसा लग भी रहा हो ना कि थोड़ा सा ब्लर है सर कर तो रहे हैं समझ में आ रहा है पर थोड़ा ब्लर है जब अभी पूरी क्लास खत्म होने के बाद में इसको पढ़ोगे आप ऐसे दिमाग में छप जाएगा कि चुटकियों में सॉल्व हो रहा है जी बहुत ही आसान हो जाएगा बहुत सिंपल बन जाएगा कंसेप्ट स्ट्रॉग है तो सब कुछ हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल एक एक निकाल के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन रखा है आप लोग के लिए मैंने यहां पर आ जाओ अब फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका इसका सेकंड पॉइंट है फेमस अब जरा वो लाइन पढ़ते हैं जो लाइन मैंने ये छोड़ी थी यहां पर द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ फोर परसेंट सर आपने कहा था ईओक्यू की एजम्पन है क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं होती बेटा मैंने बताया तो था थ्योरी के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसकी कोई भी एजम्पन नहीं चलने वाली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ट्रक में एक यूनिट मंगाओ या दस हजार मंगवाओ वो चलेंगी बिल्कुल नहीं चलेंगी क्या प्रैक्टिकल लाइफ में पूरे साल का इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स हो जाएगा बिल्कुल नहीं होगा क्या पूरे साल की एनुअल रिक्वायरमेंट पहले से पता होगी और वो भी फिक्स होगी नहीं हो सकता बदलती रहती है रिक्वायरमेंट कभी सीजन है कभी ऑफ सीजन है चीजें चे, चेंज होती है तो वो थेरेटिकल एजम्शन है जिनसे फॉर्मूला बनाया गया है लेकिन हम प्रैक्टिकल करते हुए सारे एस्पेक्ट देखेंगे ओके तो क्वेश्चन कह रहा है द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ फोर परसेंट अभी देखिए आपकी यूनिट कितने की चार सौ रुपए की चार परसेंट की क्वांटिटी डिस्काउंट सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है फोर हंड्रेड माइनस फोर परसेंट यानी अब आपको थ्री एट्टी फोर में सामान मिलेगा अगर आपको सामान थ्री में मिलेगा तो अब चीजें बदलने वाली हैं कैसे अब आपकी परचेज कॉस्ट बदल जाएगी अभी एट थाउजेंट यूनिट आप पूरे साल में खरीदते हो चार सौ रुपए के रेट से इन फ्यूचर एट यूनिट आप खरीदोगे थ्री एटी फोर रुपीज के रेट से तो रेट बदलेगा दूसरा अभी आपकी कैरिंग कॉस्ट फोर हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट इन फ्यूचर यहां पर है एटी रुपीज कैरिंग आपकी कैरिंग कॉस्ट थ्री एटी फोर का ट्वेंटी परसेंट आपका जितना पैसा ब्लॉक होगा उसी पे तो इंटरेस्ट मांगोगे पहले आपका एक यूनिट में ब्लॉक हो रहा था चार सौ रुपए तो उस पर बीस परसेंट इंटरेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही थी चार सौ रुपए में बैंक में रखता तो मुझे ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट मिल जाता अब अब आपको समान मिलेगा में में तो आप क्या बोलोगे अगर 384 में बैंक में रखता तो मुझे ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट मिल जाता तो यानी कि कैरिंग कॉस्ट भी बदलेगी परचेज कॉस्ट भी बदलेगी अगर डिस्काउंट आ गई तो अच्छा जी चार परसेंट डिस्काउंट है ऑन द परचेज ऑफ एल्फाउ प्रोवाइडेड the साइज इज फोर थाउजेंड कॉम्पोनेंट एट अ टाइम आपको एक बार में चार हजार यूनिट खरीदनी पड़ेंगी अभी एक बार में कितनी खरीद रहे हो दो सौ यूनिट ये कह रहे हैं एक बार में चार हजार यूनिट का ऑर्डर दो इकट्ठा तो हम आपको चार परसेंट डिस्काउंट दे, दे देंगे ठीक है जी कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट क्या हमें क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं बड़ा ही सिंपल है हम क्या करेंगे हम देखेंगे ईओ के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और चार परसेंट डिस्काउंट के बाद हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है अगर चार परसेंट डिस्काउंट के बाद हमारी कॉस्ट कम आएगी तो हम डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर चार परसेंट डिस्काउंट के बाद भी हमारी कॉस्ट कम नहीं हुई तो हम डिस्काउंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बहुत आराम से देखिएगा ये आपके सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ फोर परसेंट डिस्काउंट ऑफर कॉलम बड़े बनाइएगा जिससे इसके अंदर वर्किंग दिखा सके हम क्या सर कॉलम्स के अंदर एग्जाम में वर्किंग दिखा सकते हैं बिल्कुल दिखा सकते हैं ईओ क्यू है आपका टू हंड्रेड यूनिट और सामने वाला नया डिस्काउंट ऑफर दे रहा है जिसपे वो आपसे आरओ क्यू चाहता है कि एक बार में फोर थाउजेंड यूनिट का ऑर्डर दो अच्छा पूरे साल में क्या सिर्फ दो यूनिट या फिर चार यूनिट खरीदे नहीं नहीं पूरे साल का फिक्स है पूरे साल में तो हमें यूनिट खरीदनी है हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है एट थाउजेंड यूनिट ओके. इसे आप पहले देखना ये समझने की जरूरत है लिखना मत मैं लिखने का टाइम दे दूंगा आपको तो इसे पहले देखिएगा लिखेगा मत समझने की जरूरत है इसको जी सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं परचेज कॉस्ट एट द रेट ऑफ फोर हंड्रेड ओब्लिक माइनस करो थ्री एटी फोर पर खरीदनी कितनी है एट यूनिट्स यूनिट चार सौ रुपए से यहां पर वही एट यूनिट थ्री एटी फोर से आपको मिलने वाली है सर परचेज कॉस्ट क्यों ले रहे हो आपने तो कहा था नहीं लेंगे कंपेरिजन में बेटा तब नहीं लेंगे जब परचेज सेम हो यहां तो देखो परचेज कॉस्ट ही बदल गई चार सौ की जगह थ्री एटी फोर हो गया तो परचेज कॉस्ट बदल गई तो फिर कंसिडर करनी पड़ेगी तो यहां पर एट थाउजेंड इंटू फोर हंड्रेड थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड या थर्टी टू लैखी टू लैख का चार परसेंट कम कर देता हूं थर्टी लैख सेवेंटी टू थाउजेंड का सामान हो गया ओके ये हो गई हमारे पास परचेज कॉस्ट देखो मैंने तुम लोगों को बोला था लिखो मत पर कुछ शैतान बच्चे और बच्चियां अभी भी लिख रहे हैं लिखो मत समझ लो एक बार समझ लो आराम से लिख लेना कहीं भागे जा रहे हैं क्या मैं भी यहां तुम भी यहां फिर क्या बात है कह रहा हूं ना ये समझने वाली चीज है इसको लिखो मतलब आराम से समझो अच्छा जी आ गया अब जी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेटर अपने पास रखो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर हमारे पास ए बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ पूरे साल में एट थाउजेंड यूनिट मंगवानी है एक बार में दो सौ मंगवाता हूं नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरे पास पर ऑर्डर टू हंड्रेड और यहां पर पूरे साल में एट थाउजेंड यूनिट मंगवानी है एक बार में मंगवाते हैं फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू हंड्रेड चेक करो नंबर ऑफ ऑर्डर राउंड ऑफ है या नहीं तो एट थाउजेंड डिवाइड बाई टू हंड्रेड चालीस ऑर्डर हो गए पहले वाले में हर ऑर्डर के दो सौ रुपये एट थाउजेंड आ गया जी यहां पर दो ऑर्डर हो गए सीधे चार सौ रुपए आ गए अब एनुअल कैरिंग कॉस्ट ये है एरर एरिया यहां बच्चों से दिक्कत होती है एनुअल कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी गलती बच्चों से यहां पर क्या होगी ये जो सी है ना ये पहले वाले केस में ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर हंड्रेड रहेगा और दूसरे वाले केस में 20% ऑफ 384 हो जाएगा पहले वाले केस में आपके ₹400 फंस रहे हैं दूसरे वाले केस में आपके 384 फंस रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट बदल जाती है इसमें जब डिस्काउंट ऑफर आपको सामने से आएगा तो कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो यहां पर 1/2 ऑफ r o cube ₹80 400 का 20% ये आ गया 8000 और यहां पर हाफ ऑफ आरो क्यू फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री एटी फोर का ट्वेंटी परसेंट सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट डिवाइड बाई टू वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बस यहां पर आपके पास आ जाएगा टोटल ये थर्टी टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड और ये आ गया थर्टी सेवन प्लस फोर हंड्रेड प्लस हंड्रेड थर्टी टू लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड अब बताइए अगर मुझे डिस्काउंट ऑफर पे जाता हूं तो थर्टी टू लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड की टोटल कॉस्ट बैटरी है इो e के ऊपर हूं तो थर्टी टू सिक्सटीन बैटरी है तो डिस्काउंट ऑफर लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी भी वो महंगा पड़ रहा है अच्छा यही अगर थर्टी टू जीरो सिक्स हो जाता तो फिर मैं डिस्काउंट ऑफर ले लेता क्योंकि मेरे ईओ क्यू से वो सस्ता बैठ रहा है तो अगर डिस्काउंट होती है तो ईओ क्यू से भी सस्ता कुछ हो सकता है एडवाइज कंपनी शुड रिजेक्ट डिस्काउंट ऑफर कोई फायदा नहीं है इस डिस्काउंट ऑफर का नोट कर लीजिए अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए आराम से नोट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी कैसी है पहेली हई हाँ। कभी हंसाए कभी हम्म हम्म

के बी क्यू एट बीक्यू एट लास्ट क्वेश्चन है हमारा देखिएगा परचेज मैनेजर हैड डिसाइडेड टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 500 यूनिट्स परचेज मैनेजर ने कहा है कि हम कम से कम 500 यूनिट का ऑर्डर देंगे ठीक है ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इन ऑर्डर टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10 परसेंट इससे हमें 10 परसेंट की डिस्काउंट मिल जाएगी ठीक है फ्रॉम द रिकॉर्ड इट वॉज फाउंड आउट दिन लास्ट ईयर एट ऑर्डर अब परचेज मैनेजर कह रहा है कि मैं फाइव हंड्रेड यूनिट का ऑर्डर दूंगा तो पहले दो सौ दे रहे थे दो दो सौ करके मंगवा रहे थे लास्ट ईयर इस बार पांच पांच सौ करके मंगवा रहे हैं ठीक है अब पिछली बार हमने टोटल आठ ऑर्डर दिए थे तो आप बता सकते हैं पूरे साल में कितना सामान मंगवाया एक ऑर्डर में 200 मंगवाते थे पिछली बार और आठ ऑर्डर दिए इसका मतलब पूरे साल की रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट है 200 यूनिट एट ऑर्डर्स में तो 200 200 200 1600 सौ यूनिट हो गई ठीक है अब सामने वाला मैनेजर कह रहे हैं मैं पांच पांच करके मंगवाऊंगा और दस मुझे डिस्काउंट मिलेगी ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइव है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ द वैल्यू है परचेज कॉस्ट फोर हंड्रेड है तो आपकी जो परचेज कॉस्ट है वो चार सौ रुपए है लेकिन अगर आप फाइव हंड्रेड करके मंगवाओगे तो दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगी तो फोर हंड्रेड वाली चीज दस परसेंट डिस्काउंट के बाद आपको थ्री हंड्रेड सिक्सटी में मिलेगी सेम वही डिस्काउंट बता रहे हैं आपको इज द परचेज मैनेजर जस्टिफाइड इन डिसीजन वट इज द इफेक्ट ऑफ हिज डिसीजन टू द कंपनी तो क्या परचेज मैनेजर सही डिसीजन ले रहा है या नहीं सबसे पहले आपको ये बताना है तो बड़ा सिंपल है जो ओल्ड है दो, -दो सौ यूनिट करके उस पर निकाल लीजिए परचेज कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट फिर जो न्यू ऑर्डर साइज है हमारा फाइव हंड्रेड यूनिट्स का उस पर निकाल लीजिए परचेज कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट और देख लीजिए कि क्या परचेज मैनेजर ने डिस्काउंट लेकर समझदारी की या फिर नहीं की सेम क्वेश्चन है तो डिक्ट क्वेश्चन की हम एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं यह है हमारे पास ट सेम है बिल्कुल साथ में कर सकते हैं आप पॉइंट नंबर ए स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर ठीक है जी पर्टिकुलर्स ओल्ड आरओ क्यूब टू हंड्रेड यूनिट्स न्यू आरओ क्यूब फाइव हंड्रेड यूनिट्स जो मैनेजर ने सेट किया है परचेज कॉस्ट सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट्स आपको पूरे साल में खरीदनी है वह हम अभी वर्किंग नोट में दिखा देंगे पिछले साल 200 यूनिट आठ ऑर्डर दिए थे तो दो दो सौ करके आठ ऑर्डर 1600 यूनिट हो गई तो यूनिट चेंज नहीं होती इस साल भी उतनी खरीद नहीं होगी कुछ नहीं कराइस पहले चार सौ रुपए लगता था ओब्लिक का निशान नहीं है ओबलिक है ओबलिक का मतलब और कई बार बच्चे कहते हैं सर डिवाइडेड का निशान है ये और है दूसरा प्राइस थ्री सिक्सटी दस परसेंट डिस्काउंट के बाद क्योंकि हमारे को दस परसेंट डिस्काउंट का सामने से ऑफर आ रहा है तो सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट फोर हंड्रेड से सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड में खरीदी थी अब परचेज मैनेजर कह रहा है दस परसेंट डिस्काउंट मिल रही है तो सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट थ्री सिक्सटी से मिल जाएंगी फाइव लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड में बिल्कुल सिंपल है परचेज कॉस्ट क्यों ले रहे हैं क्योंकि प्राइस बदल गया परचेज कॉस्ट बदल गई तो कंपेरिजन में ली जाएगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाई आर ओ क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ तो भैया पूरे साल में सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट की जरूरत है तो एक बार में टू मंगवाते हैं नंबर ऑफ अब हम सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट मंगवाएंगे फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड करके तो नंबर ऑफ ऑर्डर अब आपके राउंड ऑफ नहीं आएंगे देखिए सिक्सटीन हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड अगर हम करें तो 3.2 आ रहा है 3.2 पॉइंट और उसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा फोर ऑर्डर बेसिकली होगा क्या पहले ऑर्डर में 500, दूसरे ऑर्डर में 500, तीसरे ऑर्डर में 500, अब बताइए 1500 तो आ गई अब फोर्थ ऑर्डर तो हमें देना ही पड़ेगा 500 का देंगे तो हमारे पास चार ऑर्डर टोटल चले गए अच्छा यूनिट्स कितनी चाहिए यूनिट हमें 1600 चाहिए बची हुई 400 यूनिट का क्या होगा हमने तो 2000 मंगवा ली 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगी ना क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का ही क्यों बनता अगर हम उतनी ही यूनिट खरीदे जितनी हमारे को चाहिए तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का बनेगा ही कहां से तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में चला जाता है वो सब कुछ तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी बस ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ ऑर्डर थ्री नहीं हो सकते ट्रक ऐसा नहीं हो सकता कि तीन ट्रक पूरे आ गए और लास्ट वाला ट्रक पॉइंट आया आ तो हमारे पास फोर ऑर्डर मल्टीप्लाई फाइव ये हो गया जी दो हजार का खर्चा ओके इसके बाद में हमारे पास एनुअल कैरिंग कॉस्ट ध्यान रखना है कैरिंग कॉस्ट हमारे पास एरर एरिया है हाफ ऑफ आरओ क्यू मल्टीप्लाई बाई सी सी में बताइए क्या ध्यान रखना है पहले केस में सी कैरिंग कॉस्ट है फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट ऑफ फोर हंड्रेड यानी एक सौ साठ रुपए लगेगी और सेकंड केस में यही फोर्टी परसेंट थ्री सिक्सटी का लगेगा भाई बैंक में चार सौ रुपए रखूंगा बैंक में चार सौ रुपए रखूंगा तो चार सौ रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा तीन सौ साठ रुपए रखूंगा तो तीन सौ साठ पे लगेगा तो कैरिंग कॉस्ट प्राइस के साथ बदल जाती है हाफ ऑफ आर ओ क्यू था हमारा टू हंड्रेड और कैरिंग कॉस्ट हो गई वन सिक्सटी पर यूनिट टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई वन सिक्सटी डिवाइड बाई टू सिक्सटीन थाउजेंड और यहां पर हो गई हाफ ऑफ आर ओ क्यू यहां पर आर ओ क्यू पांच सौ यूनिट और कैरिंग कॉस्ट यहां पर हो गई थ्री सिक्सटी का फोर्टी परसेंट वन फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव हंड्रेड बाई टू थर्टी सिक्स थाउजेंड टोटल कॉस्ट सिक्स लेख फोर्टी थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड हमारी हमारी पहले कोस्ट आ रही थी ,000, ,000, हमारी कोस्ट आ रही है तो क्या परचेज मैनेजर ने सही करा डिस्काउंट लेके बिल्कुल सही करा देखो छह लाख चौदह हजार रुपए हो गया खर्चा छह से आठ से कम होकर तो परचेज मैनेजर ने सही डिसीजन लिया है यस परचेज मैनेजर राइट डिसीजन क्वेश्चन ने पूछा है दूसरा पॉइंट वॉट इज द इफेक्ट ऑफ हि डिसीजन टू कंपनी क्वेश्चन ने कहा है कि क्या डिसीजन सही है तो बिल्कुल सही है और इफेक्ट क्या पड़ेगा कंपनी के ऊपर तो कंपनी की कॉस्ट कम हो जाएगी जहां सिक्स सिक्सटी थी वहां सिक्स फोर्टीन हो जाएगी कॉस्ट will रिड्यूस बाई रुपीज फोर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स लैक्स सिक्सटी थाउजेंड टू सिक्स फोर्टीन हो जाएगी ओके तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कॉस्ट कम हो जाएगी और यहां पे मैं वर्किंग नोट भी लिख देता हूं तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल क्वस टू एट ऑर्डर्स ऑफ टू हंड्रेड यूनिट इक्व टू सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट्स। तो एनुअल रिक्वायरमेंट सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट्स की आपके पास रहेगी ओके okay. ये हमारे पास ईओक्यू क्यू था ईओ क्यू का पूरा बेस हमने कर लिया है ऐसा नोट कर लीजिए पहले होमवर्क में दो क्वेश्चन दे देता हूं आपको PYQ 5 और PYQ क्यू जितने भी PYQ क्यू है ना वो BQ में से ही बन के आते हैं पर ट्रेंड का आइडिया लग जाता है अगर आप एग्जाम वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर हम एग्जाम वाले क्वेश्चन कर सकते हैं तो इट मीन्स हम एग्जाम में बैठे होते तो भी हम सोल्व कर पाते तो इसे पहले नोट कर लीजिए फिर बता देता हूं मैं आपको पी क्यू पी वाई क्यू फाइव पेज नंबर है आपके पास वन पॉइंट थ्री थ्री तो वन पॉइंट थ्री थ्री पी वाई क्यू फाइव ये बीक्यू सेवन ही है होमवर्क लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल आसान जो बीक्यू सेवन अभी हमने क्या डिस्काउंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एनुअल डिमांड दे दी स्काई बिलु की ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स ए आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी एटीन हंड्रेड 640 का निकाल लेना कह रहे हैं ईओ क्यू निकालो दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं सामने वाला फाइव परसेंट डिस्काउंट दे रहा है अगर थ्री थाउजेंड यूनिट मंगवाते हैं तो तो क्या हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ निकाल कर चेक कर लेंगे और एक आपको करना है पी वाई क्यू एट पी वाई क्यू एट हमारे पास होमवर्क लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल और ये हमारा बी क्यू टू का एक सिर्फ हिस्सा है इसके अंदर क्वेश्चन ने आपको ईओ क्यू निकलवाया है और टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालिए तो ईओ क्यू निकाल दीजिए और ईओ क्यू निकालने के बाद में आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आपको निकालनी है तो इन्वेंट्री कॉस्ट में परचेज ऑर्डरिंग कैरिंग सबको जोड़ देंगे और निकल कर आ जाएगा बस दो क्वेश्चन करने अब आप लोग जैसे अब मतलब पढ़ाई करेंगे घर पे जाके तो कैसे करना है उस बात को आराम से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना देखो आज की क्लास ओवर हो गई पूरा कंसेप्ट लिख लिया है खूब सारे क्वेश्चन कर लिए हैं होमवर्क में भी तीन क्वेश्चन मिल गए दो ये हैं एक बी क्यू दिया है अब आराम से जो क्लास में मैंने करवाया था आपको उसको पूरा रीड करना उसके बाद में होमवर्क वाले क्वेश्चन करना आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा इतना स्ट्रॉन्ग और राइटिंग प्रैक्टिस इतनी सॉलिड हो जाएगी एग्जाम में आपको कोई भी हिला नहीं सकता मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं हम लोगों का जो फास्ट चेक है वो बेस्ट फास्ट चेक है इतना कंटेंट इस तरीके से कंसेप्ट लिखवा लिखवा के क्वेश्चन करवाना कोई भी नहीं करवाता ये बेस्ट है आप अगर इसके साथ में चल रहे हैं आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें बस ध्यान रखें जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाओ क्लास को स्पीड में मत देखना क्योंकि स्पीड में देखते हुए कई सारी कंसेप्ट की ऐसी बातें होती हैं जो स्किप हो जाती हैं एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट होता है तो जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे करते जाओ आपको किसी के अंदर ताकत नहीं है जो आपको हिला सके तो हम लोग मिलेंगे अब कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ओके जी सभी को टाटा बाय बाय